पार्टनरशिप एक्ट। चलो फिर शुरू करते हैं और इसको खत्म करते हैं। सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर वन में पांच टाइप है, लेकिन यूनिट नंबर वन बहुत छोटा है, वन और थ्री बहुत छोटा है, टू थोड़ा सा लेंदी है इसमें, बट ठीक है, करेंगे अपने पूरा। सर, सबसे पहली बात, अगर मैं, जतिन सर और नकुल सर कहीं पर अलग अलग खड़े हैं तो हमें बुलाया जाता है पार्टनर, अगर कहीं पर हम लोग साथ में अवेलेबल है तो बुलाया जाएगा फर्म, और जिस नाम के अंदर हम लोग धंधा कर रहे हैं हमें बुलाया जाता है फर्म में। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होने के लिए सर आपके पास पांच चीजें होनी चाहिए। एक, इट शुड बी एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद अग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, एक अग्रीमेंट होना जरूरी है, वो डीड होता है, वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। नेक्स्ट, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन सर लॉफुल भी साथ साथ होना चाहिए। उसके बाद सर, जैसे ना एलएलपी में भी, एलएलपी भी प्रॉफिट मेकिंग ओनली होगा, साथ में ओपीसी भी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग होता है, याद है ये बात। नेक्स्ट, उसके बाद आता है सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट की शेयरिंग होती है ना वो होती है प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है, लेकिन लॉस के बारे में कुछ लिखा नहीं है, उसका रीजन क्या है पता है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है ना हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी है, तो भैया प्रॉफिट मिलना जरूरी है, लॉस मिले चाहे ना मिले ये बात सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये जरूरी नहीं है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आता है सर म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी कंक्लूडेड, मतलब अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो पार्टनरशिप है, इस बात पर और मुद्दा नहीं चलेगा, पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इसको बोला जाता है कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, इसके ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का जब क्वेश्चन आएगा, आंसर इज मैप एम, उसमें म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग। लेकिन एक चीज याद रखना, मियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट मेक यू अ पार्टनर। अगर एक लेंडर है जिसको, जिसने आपको लोन दिया है, अगर आप उसके साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो वो आपका पार्टनर नहीं बन जाता। आपकी दुकान में या पार्टनरशिप फर्म में कोई सर्वेंट काम कर रहा है जिसको आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, वो आपका पार्टनर नहीं बन जाता। नेक्स्ट, अगर मतलब मान लो इनकी कोई पत्नी है और फिर इनका डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे, तो आज इनकी वाइफ प्रॉफिट्स में शेयर कर रही है, तो इनकी वाइफ क्या नहीं बन जाती, पार्टनर नहीं बन जाती। और लास्ट में आता है सेलर ऑफ गुडविल, अगर कोई आदमी अपनी गुडविल पार्टनरशिप फर्म में बेच दिया है तो वो दूसरे को उसका, और तो अब वो प्रॉफिट शेयर भी कर रहा है, तो वो पार्टनर नहीं रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, नेक्स्ट आइए सर, उसके बाद आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप फर्म का सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल प्रिंसिपल एंड कंक्लूसिव एविडेंस। कार्डिनल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंक्लूसिव मतलब खत्म होगा, यही वाला मेन है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस अदर्स। ठीक है, एक आता है सर पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी। कितना बजे तक ये खत्म होगा? एक सेकंड, 4 बजे, 5 बजे तक हम ये निपटा देंगे। फ्लाइट कितने बजे? ये तो मेरे को यहाँ से वापस, ठीक है, हमें कुछ स्टारबक्स छोड़ दे बस, हम वहीं बैठ के आज इंटरमीडिएट का क्लास, वही जगह ही नहीं मिल रही दूसरी जगह, वहीं बैठ के आज इंटर का क्लास रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, 5 से लेके 8 बजे तक 3 घंटा खींचेंगे आज, 2 सेशन। हाँ, 10 बजे यहाँ पे, एयरपोर्ट कितना दूर है यहाँ से? 9 किलोमीटर पे दूर थोड़ी ना होता है, और एयरपोर्ट पे ही रुका, वहीं पे प्लेन साफ करता है। तो प्लेन आता है, उड़ के गंदा हो जाता है, पोछा लेके चल जाता है। अब फायदा क्या है, एयर होस्टेस का तो नसीब ही खराब हो गया मेरा, सब नजर लगा दिया, एक भी प्लेन में क्या विस्तार है, वहां तो नाइट ड्रेस पहन के आ गई थी, वो सब में एयर होस्टेस होती, क्या घटिया ड्रेस है भाई, वो का चीफ सा नारा बोला। अब इंडिगो ही सही है, मेरी अगर श्रद्धा सच्ची है तो आज एक अच्छी श्रद्धा नाम की लड़की मिलेगी, कोई भी श्रद्धा चलेगी, कपूर हो या ना, बस दिखनी अच्छी चाहिए। 2 घंटा की और 8-6 घंटा का लेओवर है, प्लेन से चलिए। चलो डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, उसका शादी एडजस्ट कराऊंगी। पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंस, ठीक है, देखो सर, सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप में नहीं होती, जॉइंट स्टॉक में होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब अलग अलग एक्सिस्टेंस,
अब दूसरा बोलता है परपेचुअल सक्सेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता। कॉमन सील जॉइंट स्टॉक कंपनी में होती है, पार्टनरशिप में नहीं होती। सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, देखो कंपनी को ओन कोई और करता है, मैनेज कोई और, पैसा मेरा लगा है, लेकिन हम रिलायंस पे बैठे क्या? नहीं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो ओन करता है वही मैनेज करता है। डिफरेंस बिटवीन को सीरियस लेके जाना, यू नेवर नो इट माइट टर्न अप इन द पेपर, इनमें से कोई एक आ सकता है। नेक्स्ट फिर है पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। सर दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है ना, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होता है, को ओनरशिप में कोई अग्रीमेंट नहीं होता, वो इनहेरिटेंस से भी हो सकता है। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होता है, को ओनरशिप में नहीं होता। अगर हम और ये मिलकर एक लैंड ओन करते हैं, कल को यह लैंड में स्मगलिंग करते हुए पकड़ाया गया, हम नहीं फंसेंगे, वो फंसेगा, ठीक है? अगर लेकिन फॉर्म होता तो दोनों जाते। नेक्स्ट फिर होता है इंटरेस्ट ऑन शेयरिंग। अच्छा पता है ये भी एक चीज है, कल को तुम अकाउंटेंट बनोगे तो बताते हैं, तुम मान लो तुम सीए बन जाते, ठीक है, फिर तुम एक फर्म में काम करो, मान लो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ठीक है, मान लो तुम बन गया और इसके बाद तुम एक फर्म में ऑडिटर बन गए और तुमने सिंगल हैंडेडली एक कंपनी का ऑडिट किया और उसमें तुमने एक फ्रॉड कर दिया, पता है तुम्हारा पूरा पार्टनरशिप फर्म अगले 5 साल के लिए बैंड हो जाए, जबकि उनको इस बारे में पता भी नहीं, फिर भी म्यूचुअल एजेंसी वन फॉर ऑल। इसीलिए बहुत सोच समझ के देख दाख के ढंग से आदमी लाना पड़ा, ठीक है, कि अपनी इज्जत दूसरे के हाथ में देने से पहले कि वो नीलाम ना कर दे, सोच समझ के करना होता है। हाँ अच्छा, को ओनरशिप में आप अपना इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ आप मेरे 1000 acre की प्रॉपर्टी है, 500 acre मेरी, हम अपना 500 acre इसको बेच दें 5 crore वाला, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कर सकते हैं? वेट, देयर इज सेक्शन नंबर 29 अब लिंकेज करते हैं। सेक्शन नंबर 29 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ये बोलता है कि आप अपना राइट ट्रांसफर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 29 व्हिच इज कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, लेकिन उस केस में वो प्रॉफिट और लॉसेस शेयर कर सकता है, लेकिन बुक्स और अकाउंट्स नहीं देख सकता, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता और बिजनेस में तो पार्टिसिपेट करते नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन वो ट्रांसफरर वाला पार्टनर मर गया छोड़ के चला गया, उस दिन से वो कर सकता, परफेक्ट, उस दिन से वो किताबें चेक कर सकता है अपना शेयर डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट, पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस है? क्लब में पार्टी होती है बेटा। अच्छा, क्लब बनता है सर वेलफेयर के लिए, लेकिन पार्टनरशिप किसके लिए बनता है? प्रॉफिट के लिए। क्लब में देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप में देयर इज म्यूचुअल एजेंसी। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, क्लब की प्रॉपर्टी में मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अरे अभी तक देखो, हम लोग रिजॉर्ट ही गए जतिन सर के, हमारा घंटा इंटरेस्ट थे उसमें, पूल खेला, टेबल पे बैठ के चले गए, और क्या ले रहे। और जल्दी सर खुद भी बता रहे, बोलते सर हम लोग इसको मेंटेन क्यों नहीं करते, यहाँ पर लोग पूल टेबल के ऊपर बैठ के नाश्ता करते हैं। हम सर इसीलिए तो, अब देखो हम क्या है, उनको थोड़ा फैसिनेशन है क्योंकि पूल टेबल पर मैंने अपनी जवानी बिता दी है लिटरली, क्योंकि उसी के चक्कर में तो रैंक नहीं आई है फाइनल में, तो आधा पैसा तो मैंने उसी में फूंक दिया कि यही खेलना ही है बस। सुबह क्लास करने जाते थे, ठीक है, 6 बजे की अकाउंट्स का लेक्चर होता था, 6 से 10 पढ़ाता था टीचर 4 घंटे फाइनल का, कभी कभी 5:30 भी होता था, उसके बाद अपना लेक्चर होता था 3 बजे पढ़ाने का, 10 बजे से 3 बजे तक कंटिन्यूअसली हम पूल खेल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 3 बजे पढ़ाने के, 3 बजे से 7 बजे पढ़ा, फिर वापस 7 से 9, फिर जिम, फिर घर वापस, मतलब डेली का कम से कम 5 घंटा, 5 से 7 घंटा पूल खेलते थे डेली, ये चला था 6 महीना। फिर हम ऐसे ही टोटल करते हैं कि अगर हर दिन का 5 घंटा और मैं 6 ही पन्ना पढ़ूंगा अगर हर घंटा, तो 30 घंटा 30 पन्ना एवरी डे इंटू 6 महीना 180 का नुकसान कर रहा था मैं एवरी डे, तो उसने में तो रैंक आ ही सकती थी, बट ठीक है पैसा तो फिर भी कमा रहा है, क्या ही करता है, ठीक है, तो तुम लोग गलत चीजों में इन्वॉल्व मत हो, बस यही समझा रहा। नेक्स्ट, फिर आता है डिसोल्यूशन। क्लब में अगर कोई मेंबर मर मरा भी गया ना, क्लब बंद नहीं होता, एक दिन की शोक सभा रखते हैं, अगले दिन उसी पर डांस करते हैं, ठीक है, हाँ उसी पर। पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर पार्टनर मर गया तो बिजनेस खत्म। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखना, बिजनेस बंद तब होता है जब डीड साइलेंट हो, अगर डीड वायलेंट है तो बिजनेस कंटिन्यू, ठीक है, वाह। फिर आता है सर पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ, याद रखना
कि मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है, करता करता कौन होता है, सबसे बड़ा आदमी। अच्छा डेथ के केस में ना एचयूएफ कभी डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये तो अपनी कैपेसिटी पे है ना, जितने बच्चे पैदा करोगे तब तक चलता रहेगा एचयूएफ। पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनर बना अकेला खत्म, सन्नाटा घर चलो, ठीक है। लाइबिलिटी ना कर्ता का अनलिमिटेड होता है, बाकी सबका लिमिटेड। यहाँ पर ना जो आपका शेयर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कैसे अब मान लो एक बुड्ढा मर गया, सब शोक सभा मना रहे और मनी मन सोच रहा पहले पांच में बट रहा था, अब हिस्सा चार, अब तुम एक बच्चा पैदा हुआ सब खुशी मना रहे हैं, बच्चा एक और रिश्तेदार आ गया हमारा। तो पर पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता, अगर बोल दिया प्रॉफिट इक्वली बटेगा 1:1:1 तो उसी हिसाब से बचेगा 1:1। यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुई थी 2015 में कि अब फीमेल कर्ता भी हो सकती है। पहले क्या था, मतलब मान लो दादाजी टपक गए, अगर मर गए उनकी डेथ हो गई, थोड़ा सा ठीक है, अगर उनकी रिस्पेक्ट, तो अगर उनकी डेथ हो गई तो क्या था, दादी जी को कोई रोल नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर अब दादी जी भी कर्ता बन सकती है, तो उनको करती बुलाना चाहिए था, क्या ही कर सकते हैं, नाम में क्या रखा। अभी फेमिनिस्ट लोग इस पे नहीं पहुंचे कि उनका नाम करती होना चाहिए, थोड़े दिन में आ जाएंगे। उसके बाद है सर पार्टनरशिप परचेज एसोसिएशन। देखो सर कैसे बोलते हैं ना, हर सुंदर लड़की जैसा इंस्टाग्राम पे दिख रही वो वास्तविकता में वैसी नहीं, ये उनको भी पता है सच है भाई, और ये बात सामूहिक ट्रूथ है ये, क्योंकि क्योंकि इन्होंने इतने फिल्टर निकाल दिए हैं कि यूज करने वाला भी मजबूर है कि जब मैं खूबसूरत लग सकता हूं तो मैं क्यों ना करूं, है ना, तो वो कर ही लेते, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना हर लड़की खूबसूरत दूर से दिख रही है सामने से नहीं होती, वैसे ही हर एसोसिएशन पार्टनरशिप, लेकिन हर पार्टनरशिप एसोसिएशन होता है, क्योंकि एसोसिएशन प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है, अरे एसोसिएशन फालतू कामों के लिए भी हो सकता है। अब स्कूल खत्म हुआ, स्कूल के बाद उधर भाई कहाँ है भाई, चला जाता है गड्ढा मारेंगे चल, तो वहां पर भी चार लड़का लोग लौंडा लोग बैठ के चाय पी रहा ना, वो भी एसोसिएशन, ठीक है, बट वो पार्टनरशिप थोड़ी ना, कैसे कैसी 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 बातें किया करते थे हम लोग। हमें आज ये सब बातें कभी कभार सोचते हैं ना, अरे यार क्या क्या सोचते थे हम लोग, उसका कोई वजूद नहीं होता था, इतने वेले थे हम लोग, 5 बजे स्कूल खत्म हुआ, 8 बजे फिर मिल रहे हैं, क्यों कि भैया आज ठीक से बात नहीं हो पाई, मतलब स्कूल जा रहे बात करने के लिए, और वहां पर 8 बजे बैठ के चाय पीना, और बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं कि सामने जो बिल्डिंग है ना इसका ओनर भाई बड़ा ही गंदा आदमी है, टेनेंट लोग खुश नहीं है उससे, और हम में से कोई भी उस बिल्डिंग में रहता नहीं, बट ये सोच, क्योंकि जिंदगी में काम ही नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर कितना पढ़ेगा, ठीक है। तो आजकल वो सब बातें याद आती हैं तो लगता है कि हाँ बहुत समय बर्बाद किया है जिंदगी में, बहुत। तो अब देखो एसोसिएशन में एजेंसी हो वो जरूरी नहीं, ठीक है। अब वहां पर एक चार में से एक लड़का सिगरेट पी रहा था, उसी को तुम्हारे रिलेटिव ने देख लिया, अब वो इम्प्लाइड कर दिया कि तुम भी फूक रहे थे, ठीक है। अब पिताजी को घर में बोलेगा, पहले तुम मार खाओगे लेकिन सबूत तुम्हारे फेवर में है, वो पी रहा था तुम्हारी गलती, ठीक है, पर मार तुम खाओ, तुमको नहीं मारे, तुम तो कभी सूंघे भी नहीं हो गए, तुमको तो देख के सिगरेट वाला सिगरेट काट देता हूं। हाँ बेचारा बच्चा, आइए अब आते हैं सर काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दो केसेस पर होता है, एक होता है पार्टनरशिप एट विल और दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। जो पार्टनरशिप एट विल होता है उसको आप कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, कोई एक पार्टनर के मुंह पर नोटिस मार देगा तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना, पार्टनरशिप एट विल तब विल माना जाता है जब एक उसमें कोई टाइम पीरियड ना हो, दूसरा कोई ऐसा प्रोविजन भी नहीं है जो टाइम पीरियड फिक्स कर रहा। नेक्स्ट फिर आता है फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप का एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम फिक्स होता है, 6 महीना 7 महीना 1 साल, देयर इज अ फिक्स्ड टाइम पीरियड कि इतने ही पीरियड में पार्टनरशिप फॉर्म बंद होगा, लेकिन अगर उसके बाद कंटिन्यू होता है तो पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। फिर आते हैं सर पार्टनरशिप फॉर अ पर्पस, एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस। जो जनरल पर्पस पार्टनरशिप होता है वो किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो स्पेसिफिक पर्पस होता है उसका एक गोल होता है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वो उस गोल को कंप्लीट हो जाता है फिर भी कंटिन्यू करता है तो इट इज जनरल पर्पस पार्टनरशिप। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर।
अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर में ग्राफ आएगा। सबसे पहले आया टाइप ऑफ पार्टनर में एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो पार्टनरशिप फॉर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए एक सेक्शन नंबर 24 स्पेसिफिकली दिया गया है यूनिट नंबर 2 में, जो क्या बोलता है, अगर नोटिस आपने दिया है एक्टिव पार्टनर को, इट इज नोटिस टू द एंटायर पार्टनरशिप फर्म। वेरी गुड। नेक्स्ट फिर आता है सर, लेकिन अगर ये आदमी फ्रॉड करते हुए पकड़ाया गया, पार्टिसिपेट करते हुए पकड़ाया गया या अबेट करते हुए पकड़ाया गया, उस केस में ये इसका ये राइट छीन लिया गया। मतलब अगर भिड़े को एक नोटिस दी गई तो वो नोटिस टू इंटायर गोकुलधाम सोसाइटी, क्योंकि भिड़े अच्छा निर्लज नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आता है नॉमिनल। सर नॉमिनल मतलब वो पार्टनर जो नाम का पार्टनर है। यहाँ पर हम आईसीआई के साथ थोड़ा सा डिफर करते हैं कुछ कुछ बातों पे। आईसीआई बोलता है नॉमिनल पार्टनर का नाम दे देता है पार्टनरशिप को, उनको ना प्रॉफिट लेता है ना लॉस लेता है, लेकिन थर्ड पार्टी को लायबल है। कैसा बेवकूफ बात, लेकिन ठीक है, लिखना यही है। ठीक है, फिर आता है सर सब पार्टनर। ये सब का पार्टनर है नहीं, ये पार्टनरशिप का एक पार्टनर का पार्टनर है। पार्टनरशिप फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये उस पार्टनर के लिए। हाँ भरत, करेक्ट। ठीक है, भरत जतिन सर का पार्टनर है, पूरे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद आता है आउटगोइंग पार्टनर। सर आउटगोइंग पार्टनर में तीन तरह के पार्टनर आते हैं, रिटायरिंग पार्टनर, डेथ पार्टनर, इंसॉल्वेंट। रिटायरिंग पार्टनर मतलब कौन जो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला गया, डेथ मतलब जिस पार्टनर को जो मर गया है, इंस्टॉलमेंट मतलब जो गरीब हो गया। देखो डेथ के केस में सेक्शन नंबर 35 आता है, जो ये बोलता है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर पर पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है कि आप मर गए, ये इक्विवेलेंट है, सबको पता है आप मर गए, क्योंकि वो डेथ सर्टिफिकेट हो गया। इंस्टॉलमेंसी का सेक्शन नंबर 34 आता है, जिस दिन से आप गरीब हुए कोर्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। डेथ जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट हुए, कारोबार खत्म, रिश्ता नाता खत्म, अब आप अपने घर में कुछ रहिए, हम अपने घर में। फिर आया सर डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी पे, देयर इज नो पब्लिक नोटिस नीडेड, लिख दिया मैंने नीचे। ठीक है, आओ आओ पांडू आओ। फिर नेक्स्ट आया स्लीपिंग पार्टनर। ये वो पार्टनर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस में, जिंदगी भर पैदा ही हुआ है सोने के लिए, पैसा लगाया है पार्टनरशिप फर्म में, प्रॉफिट भी लेगा लॉस भी लेगा, लेकिन धंधे में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वैसा आदमी है क्लास में चुपचाप बैठा रहता है, सब सुनता है, सब करता है। बहुत अच्छे, अपने आप थोड़ी लेट किया उसने। नेक्स्ट पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग सीधा बोलेंगे माइनर। देखो माइनर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ही इज नॉट द ओनली पार्टनर इन, और ये बस एक एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट फिर इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो नया नया पार्टनरशिप फॉर्म में आया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फिर लास्ट आता है सर होल्डिंग। पार्टनर है नहीं, अपनी हरकत से ऐसे दिखा रहे हैं कि पार्टनर है, अब थर्ड पार्टी को लायबल हो गए, अब तो चुना लगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी को लायबल हो गए। यूनिट वन खत्म भाई, यूनिट वन ओवर। ठीक है, यूनिट वन खत्म। यूनिट थ्री मेरा फेवरेट है, क्योंकि शुरू होते ही खत्म हो जाता है। सबसे बोलता है रजिस्ट्रेशन कराना है। हाँ बिल्कुल, कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं कराया तो 3 डिसेबिलिटी हो जाएंगी अंडर सेक्शन 69। लेकिन एग्जाम में जब वो बोलेगा ना लिखने कॉन्सिक्वेंस, तो 3 मत लिखना, 4। एक आपस में केस नहीं कर सकते, दूसरा बाहर वाले को केस नहीं कर सकते, तीसरा म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं कर सकते, 100 रुपए तक का सेटलमेंट अलाउड है, और चौथा तुम रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, बाहर ये किस्मत की मार बोलते हैं इसको। वो तुम धीरे धीरे हल्का हल्का नींद में आ रही थी ना, भगवान बोला मत कंटा पढ़, ये भगवान की मार है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा अगर मान लो मेरे को रजिस्ट्रेशन करना, आई वांट टू गेट माय सेल्फ, आपको बस एक डीड बनानी, पार्टनर्स का नाम लिखना, उसमें प्लेस ऑफ बिजनेस बताना है, पार्टनर्स का एड्रेस बताना है, एक्टिविटी बताना है, ये सब दिखा के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को दीजिए, वो 14 दिन में इसको चेक करके आपको एक देगा, और उस दिन से आपको अपने नाम के पीछे रजिस्टर्ड लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में अंडर सेक्शन 50 में। वाह वाह बच्चों वाह, बढ़िया, गुड रिस्पांस, आई लाइक इट, एक्सेप्ट यू ब्रो। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर आया सर एक यूनिक पॉइंट, इसका नाम ही हमने यूनिक पॉइंट रखा है। इस ये एक्चुअली में आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्वेश्चन की तरह थी कि मान लो तुम लोग 3 जन पार्टनर,
ठीक है, एक पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्टर्ड, ये मर जाता है। तुम सेम नाम में पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करते हो, फिर तुम अर्चक के ऊपर केस करती हो, एक केस में जिसमें इसने तुम्हारे साथ गलत किया है पार्टनरशिप फॉर्म के साथ, क्या ये केस वैलिड होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि एक तुम्हारा फॉर्म रजिस्टर्ड था और दूसरा वही पार्टनर केस कर रहे हैं जो उस टाइम में पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर थे। लेकिन अब दूसरा पार्ट है इसमें, मान लो तुमने इसके इनके मारने के बाद उसको पार्टनर ले लिया, नाम क्या तुम्हारा? निशा, ठीक है, निशा को ले लिया पार्टनरशिप फॉर्म में अर्जब की जगह। अब इसने बताया नहीं आर ओ एफ को और तुम लोग ने इसके ऊपर अब केस कर रहे हो, अब वैलिड होगा? नहीं, क्योंकि जो पार्टनर थे उन पार्टनर के अलावा एक नया पार्टनर भी गया। अरे वाह, कंपोजिशन चेंज हो गया, देख रहे हो लॉन्डे हमारे कहां तक पहुंच गए। इंग्लिश यार, इंग्लिश। चलो फिर आया सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पीछे क्या लिखा है? बिजनेस क्लोज, बंद, धंधा बंद। तो सर ये दो तरीके से होता है, एक होता है खुद से और एक कोर्ट से। तो जो खुद में होता है वो 40, 41, 42, 41, 42, 43 और कोर्ट का 44, ठीक है। तो 40 में सबसे पहले आता है डिसोल्यूशन बाय एन अग्रीमेंट, अपनी मर्जी से अग्रीमेंट म्यूचुअली बिजनेस को क्लोज कर दिया। दूसरा आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में बिजनेस आपका अनलॉफुल हो गया, पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो गए एकदम। अब यहाँ पर सर दो केसेस हैं, एक आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया, दूसरा एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। अनलॉफुल में एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए आपके दो बिजनेस है, एक लॉफुल है एक अनलॉफुल है, अगर दोनों में डिस्टिंक्शन है तो अनलॉफुल वाला बंद करो, लॉफुल चलो, और अनलॉफुल लॉफुल में लीगल इलीगल भी बोल सकते हो, बात एक ही होती है, ठीक है। फिर आती है सर कंटिंजेंसियां, कंटिंजेंसी मतलब ऐसी चीजें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे सर अगर आपका फिक्स पीरियड खत्म हो जाए, ठीक है, या आपका पर्टिकुलर पर्पस खत्म हो जाए, या आपका पार्टनर मर जाए, ठीक है, या सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, एडजुडिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, सब के सब एक साथ मर जाए, कितना हैवी है। एक ही साथ सब लोग जा रहा था बैंकॉक प्लेन क्रैश। चारों के चारों एक, नहीं चारों के चारों एक साथ बैंकॉक के, ठीक है ना, रुक, हम करा रहे हैं, हम भी इंसॉल्वेंट कर रहे हैं, कुछ गलत काम करते हुए चारों का वीडियो बन गया। हम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, अब पूरे इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, ठीक है, बैंकॉक बहुत महंगा पड़ेगा, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में 3, 4, 5 पहले केस में अर्जब नहीं पागल हो, अब अर्जब के अलावा, ठीक है, ये अर्जब का दोस्त है, ये भी बोल सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर दो, ठीक है, या बाकी सारे पार्टनर भी मिलके बोल सकते हैं, क्योंकि अर्जब परमानेंट पागल हो चुका है। अच्छा एक चीज याद रखना, ये परमानेंट नहीं, वो कभी कभी जो पागल होते हैं ना, वो आजकल बच्चे, जब से वो मरा है ना सुशांत सिंह राजपूत, आजकल बच्चे लोग नहीं है ना, हम डिप्रेशन, वो डिस्पर्सन में, डिप्रेशन में नहीं, डिस्पर्सन। परमानेंट इनकैपेसिटी मतलब आप परमानेंटली डिसेबल, फिजिकल डिसेबिलिटी है, ऐसी है जो रिकवर नहीं हो सकती है। मान लो अर्जब एक दिन तुम लोग सबके साथ बाहर जा रहा था गाड़ी उसके पैर के ऊपर, अब उसके दोनों पैर कट गए, विकलांग हो गया वो, अरे अरे क्या तुमको एग्जाम्पल पे रखे क्यों? बेचारी वो लड़कियां जा रही थी, उनको ट्रक जाने वाली थी, तुम हीरो बनने के चक्कर में बचाने गया, अब हुआ क्या, तुम वो ट्रक से तो बचा लिया सबको, पर उधर से तुमको बुलडोजर मार दिया, ठीक है, पर वो तुम्हें नहीं बचाई, वो ही वो वाव और जब स्टेटस वो नहीं होने का है, पर बढ़ जाओ हां भाई सीधा, हां ट्रक इन्होंने नहीं चलवाया तो तुम्हारे बुलडोजर, देखो सब तुमको मारना चाहता है, तो बात है तुम्हारे अंदर, रुको आज तुमको पीटी के जाएंगे बेटा हम लोग यहाँ। इसके बाद क्या था,
एक बार अर्जब पकड़ा गया कुछ गलत तरह की हरकत, ठीक है, ड्रग्स बेचते हो। अब पार्टनरशिप फर्म बेचता है चीनी, ये बेच रहा ड्रग। अब ये चीज मार्केट में निकल गई, मार्केट में निकल गई, अब पार्टनरशिप फर्म की गुडविल खराब हो रही है। तो ये लोग मिलके मिसकंडक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करा सकते हैं। फिर आता है ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। अब अर्जब ना पढ़ा लिखा चोर है, ठीक है, अर्जब पढ़ा लिखा चोर है, पैसा चोरी कर रहा है पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है, कैश ज्यादा रख रहा है हाथ में, या बैंक अकाउंट से पैसा फिरा दे रहा है, एंट्री कर रहा है 10,000 की 1,000 कर रहा है, 1,099,000, ये सब हरकतें कर रहा है। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट मतलब लगातार, ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले बोला ना आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर फिर से क्यों लिखा है, अगर आपने बिना कंसेंट के कर दिया ना तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना, बिना परमिशन के अगर कर दिया। नेक्स्ट, परपेचुअल लॉस, अगर आपके पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यूअस लॉसेस बार बार हुए चले जा रहे हैं तो ऐसा धंधा करने से फायदा ही क्या, अभी तुम ही चार पांच बार फाउंडेशन फेल हो जाओगे तो मम्मी पापा तो कुछ और कर ही देंगे, है कि नहीं? नहीं, हां दूसरा देना है ना, नया सिलेबस 28 में आ रहा है, पक्का 100%। अगर हुआ तो हुआ तो क्या देगा हमें, सीए बनने के बाद तू मर गया तो एनी अदर जस्ट, इसका मतलब क्या, कोर्ट बोलेगा 5 बार तुम मेरे पास आए, 6 बार, अब मेरे को भी तो कोई ग्राउंड मिलना चाहिए ना पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का। तो ये है एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब ऊपर के अलावा अगर कोई और रीजन है पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का तो ये कर सकता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि डेडलॉक इन मैनेजमेंट, या अगर मैनेजमेंट आपस में बातचीत नहीं कर रहा, या आपके बिजनेस का जो सब स्ट्रेटम था वही खत्म हो गया, आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते थे, सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन बंद कर, बिजनेस का सब स्ट्रेटम ही खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, गैम्बलिंग लिखा है स्टॉक मार्केट में, हाँ गैम्बलिंग स्टॉक मार्केट, हाँ गैम्बलिंग एक चीज है जिसको इलीगल माना जाता, करनी नहीं चाहिए, बट करने वाले तो करते ही, बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। Then we have you. Next. Provided. तुम exception का, तुम हर से हर चीज के तुम further provided. अरे होती है भाई सब जगह, बात क्या है ना, बात क्या है उसमें ऊपर क्या दिया हुआ है, जस्ट एंड इक्विटी। अब सुनो, गैम्बलिंग तो बहुत तरह की होती है, हर कंपनी अपने शेयर खरीद के मार्केट में बेचती है, लेकिन अदानी के ऊपर केस क्यों करा था, अदानी के ऊपर केस इसलिए चला था क्योंकि जो वो कर रहे थे उससे मार्केट में उनके शेयर के प्राइसेस इन्फ्लेट हो रहे थे, तो दैट वाज इट। बाकी अपनी कंपनी के शेयर खरीद के तो सारी कंपनियां बेचती हैं, वो फैक्ट बात। तो गलत तरीके से काम नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोलो ना कोर्ट के नजरिए से गलत नहीं। अब आज की डेट में एक चीज सोचो, तुम्हारे मम्मी पापा देखते होंगे तुम कॉपी में कुछ लिखते नहीं हो, ठीक है, सब कुछ ऑल, अरे हमें मार्क्स, ठीक है, हम बोलते तुम ज्यादातर ऑनलाइन जाते, ऐसे समझ ले आजकल मम्मी पापा ज्यादा दिखता है कि फोन में पूरा दिन लगा रहे, तो उनके नजरिए के हिसाब से ये गलत है, बट तुम्हारे नजरिए के हिसाब से ये सही है ना। पर अगर आप यही फोन में तुम्हारे मम्मी पापा पकड़ ले कि तुम गलत चीजें देखते हुए पाए, लेकिन सर कोर्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर तो न्यूज़पेपर में आता है ना, तो उनके केस में जरूरी नहीं है। नेक्स्ट 46, दूसरे केस में क्या बोलता है सेक्शन नंबर 46 में, पार्टनर्स के राइट क्या होंगे, एसेट को सेल करना है, आइडेंटिटी को पे करने के लिए, पे ऑफ नहीं पे करने के लिए। नेक्स्ट,
और अगर कोई सरप्लस आइज है उससे क्या करना है, बांट लेना। सेक्शन 47 क्या बोलता है सर, इनके पास वाइंडिंग अप के टाइम पर दो चीज की अथॉरिटी है, क्या सर, एक इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना और दूसरा एसेट बेच के लायबिलिटी चुकाना। 48 क्या बताता है, वो आपको तरीका बताता है, मेथड बताता है ये कैसे करना है। क्या मेथड है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पहले लॉसेस पे करिए, अगर वो पूरे नहीं पड़ रहे तो कैपिटल का पैसा ले लीजिए, कैपिटल पूरा नहीं पड़ रहा तो क्रेडिट लाने के लिए बोलिए उनको, ये अकाउंटेंसी में किया है तुमने शायद। अच्छा, अब एसेट को कैसे यूज किया जाएगा, सबसे पहले लाइबिलिटी पेमेंट करिए जो आउटसाइडर की है, उसके बाद पार्टनर का जो लोन है उसको पेमेंट करिए, पार्टनर का कैपिटल पेमेंट करिए, अगर उसके बाद भी सरप्लस बच जाता है तो आपस में बांट दीजिए। फिर ये याद रखिएगा कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड नहीं है, और आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड आपकी दोस्त की गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, वो एक अपॉर्चुनिटी, वो अपने अपने स्किल पर डिपेंड है। ठीक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि सर जो पर्सनल की पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको पहले पार्टनर अपनी लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए यूज करेगा, फर्म की जो प्रॉपर्टी है फर्म पहले अपनी लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए यूज करेगा, अगर उसके बाद भी फर्म की लायबिलिटी ज्यादा है तो पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है। ऑप्शन 103 का था। इसको बनाने से अच्छा बात पता है क्या होता है, ये भैया पूरा का पूरा ना कारोबार निपट जाता है, एक तो सेटिस्फेक्शन अलग मिलता है कि एक ही पन्ने पे ऐसा। ठीक है, अब आया टू, अब खाली हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स गिनेंगे। ठीक है, हम लोग को नंबर कहां से कहां गिनने, 9 से लेके 38। ठीक है, इसमें 29 स्क्रिप्ट आ चुके हैं, चलो नंबर काउंटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले 9 पे जनरल क्या है, बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है, कॉमन एडवांटेज फुल अकाउंट्स और बुक्स को मतलब पार्टनर फुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। 10 ड्यूटी टू इंडेमनिफाई, पार्टनरशिप फर्म में रहकर अगर आपने कोई फ्रॉड किया है बाहर वालों को तो सारे देंगे, ठीक है, लेकिन आपको इंटरनली कंपेंसेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है सर 11 का 1 और 11 का 2, इसके मसाले को छोड़ेंगे 16 के बी के साथ। 11 का 1 बोलता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज वो करना है जो कहां लिखे, कहां लिखे, एग्रीमेंट में लिखे, अग्रीमेंट में लिखे। 2 में क्या लिखा है, अग्रीमेंट में रिस्ट्रेन होना है, लेकिन रिस्ट्रेन क्या चीज कर सकते हैं, मैं पार्टनरशिप फर्म में रह के उसके अलावा यही यही प्रैक्टिस करके चला जाएगा, पेपर में नहीं आएगा फिर रोएगा मत। कितना है, 200 2000, इसमें कितने, हाँ वही हम बोले, इतना पतला सा पेपर में 2000 कैसे गुज जाएगा, चार ऑप्शन के साथ इसे जगह बचाई जा सकती है। हमको जगह बचाने में अच्छा लगता है, देखो एक चाहिए मेंटल सेटिस्फेक्शन कि इतना ही बन। अभी ये जो बच्चा A4 पीस साइज पेपर में इसका प्रिंट आउट ले ले, उसको पूरी सेटिस्फेक्शन, चार ही बनना, चार पढ़ना तो घंटा भर एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा, नहीं ऐसे ही होगा। दिसंबर 28 में A4 साइज पेपर में भले भले एक्शन। तीन चीजें नहीं करनी, SRN नहीं करना, सॉलिसिट नहीं करना, नाम का इस्तेमाल नहीं करना और रिप्रेजेंट नहीं करना अपने को पार्टनर की तरह, वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक 16B आ गया जो बोलता है भाई तू एक काम कर, तू कर, तू पार्टनरशिप फर्म में रह के एग्जिस्टिंग बिजनेस कर, बस इतनी चीज याद रखना, प्रॉफिट। अभी लास्ट में इस पर ड्राइंग करेंगे, चित्र बनाएंगे, पूरा चित्र बनाएंगे भाई, पैसे दिए तुमने,
तुम्हारे ही पैसे तो आए यू आर दैट मॉडल ऑफ सैमसंग विच हैज ऑलरेडी बीन रिफर्बिश्ड ठीक है भाई तुम सही में नोकिया हो बेटा सब नो कर देंगे कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी लड़की लोग तुम्हारा गाल खींच के बहुत बोलती होंगी ना वेरी क्यूट कोई ये भी नहीं बोलता कोई तुम जी क्यों रहे होते किस उम्मीद में एक दिन यहाँ पर नहीं बैठा यहाँ पर अभी जतिन सर सेंटर बनाने वाले इधर से उनके घर से कर जाए हाँ मैं उसके नीचे आए सबसे सही फिर हम ले लेंगे सेकंड नाम सेकंड प्राइस में आइए सर अब आते हैं सर सेक्शन नंबर 12 सेक्शन नंबर 12 बहुत ही सी है एक्चुअली ये 9 का कॉपी है सिर्फ इसमें एक चीज नहीं है 12 का सी क्या बोलता है ये कि सर जब भी कोई फंडामेंटल बिजनेस डिसीजन है उसमें चाहिए कंसेंट ऑफ पार्टनर छोटा बिजनेस डिसीजन है मेजॉरिटी से काम चल जाएगा उसके बाद आता है सर सेक्शन नंबर 13 ये कब काम करता है एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट जब एग्रीमेंट ना हो मतलब जब डीड साइलेंट क्या सर रेम्युनरेशन पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉस इज इक्वली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू द लोन दिया है अगर 10% सर हम लोग अग्रीमेंट में 12% इंटरेस्ट दे सकते कौन रोक लेगा किसका बाप रोक लेगा हम लोगों नेक्स्ट फिर आया सर इमरजेंसी यहाँ पर बोला क्या जाता है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इमरजेंसी में खर्चा करे तो वो पैसा फर्म को उसको दे देना चाहिए ठीक है अब इसी से रिलेशन में सेक्शन नंबर 21 बना है जो क्या बोलता है पता है वहां पर हम लोग फर्म को समझा रहे हैं कि तुम दे दो यहां 21 में क्या है पार्टनर बता रहा है मैं लूंगा ठीक है ये मेरा हक है एग्जैक्टली क्या टाइमिंग है भाई वेरी गुड सिंक है बढ़िया फिर आता है सर सेक्शन नंबर 14 प्रॉपर्टी जो फर्म की है वो फर्म की है उसके साथ पार्टनर छेड़छाड़ नहीं करेगा करेगा लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए फर्म की प्रॉपर्टी फर्म की गाड़ी में तुम एकदम नहीं बीवी भी नहीं और दोनों साथ में तो कतई नहीं पर अगर दोनों साथ में जा पाए अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला जो तेरी गर्लफ्रेंड है वो उसकी गर्लफ्रेंड आप लोग तेरे को बताएंगे और अभी अपने पे कितना इसीलिए लड़कों का दिल बड़ा हो हम लोग एडजस्ट कर लेते देखो एक बात समझना ठीक है देखो लड़के अगर एक से ज्यादा लड़की घुमा रहे ना कभी भी लड़की को पता नहीं चलता जब तक फोन ना चेक कर लिया कुछ बिहेवियर से नहीं पता चलता क्योंकि हमारे पास इतना प्यार है कि हम बांट सकते कहीं पर भी कम नहीं पड़ता ठीक है बहुत प्यार ठीक है अब ज्यादा तारीफ हो गया चलो अभी फिर लड़कियां बोलने लगी हाँ सारी प्रॉब्लम तो हम ही में है ना चलो फिर आया सर सेक्शन नंबर 15 देखो सेक्शन नंबर 15 एक्चुअली वही था जो 14 के बाद बोले थे कि जो एसेट्स ऑफ द फर्म है वो किस पर्पस के लिए यूज करना है पार्टनरशिप फर्म के लिए 16 का बी वहां कर दिया था 16 का ए है सीक्रेट इस बार पूछा जाएगा कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ठीक है सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर पार्टनरशिप फर्म में रह के आप सीक्रेट प्रॉफिट बना सकते हैं करिए लेकिन बनाने के बाद आपको पार्टनर्स को डिस्क्लोज करना है कि भाई मैंने ये किया है अब इसमें सर कैसे तरीके हैं प्रॉफिट बनाने के नट केस एन फॉर नेम ऑफ द फर्म यू फॉर यूज द प्रॉपर्टी डी फॉर ट्रांजैक्शन और सी से कनेक्शन वेरी गुड नेक्स्ट फिर आया सर सेक्शन नंबर 15 दुनिया का सबसे फालतू सेक्शन क्या बोलता है ये बताता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स की कैसे चेंज होगी अगर एक नया पार्टनर आए या पुराना पार्टनर चला जाए फिक्स पीरियड खत्म होके कंटिन्यूअस हो जाए विल कटिंग खत्म होके आगे बढ़ जाए तो होगा क्या सेम फालतू का सेक्शन हाँ 18, 19, 20, 21 सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है कि हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एजेंट है ही इज जॉइंटली फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म बाप रे बाप
हम 85 बुक प्रिंट कराया था, हम सोचा था जितना तो बिकेगा नहीं, 50 बुक तो एक ही दिन में बिक गया। अब अगला अगला को डिलीवर होने में 20 दिन और लगेंगे। ये चीज हम फाउंडेशन में ध्यान रखें। फर्म की लाइबिलिटी है तो सब पार्टनर क्या गुटका मलने आए? तुम खैनी बाज आदमी, लिखा होना चाहिए, लिखा तो ये भी होना चाहिए था कि यूज विद केयर तुम्हारे सर के ऊपर लिखा। अनअकैडमी के पेमेंट के ऑप्शन में ईएमआई ऑप्शन नहीं आता है क्या? अच्छा बेटा ईएमआई का ऑप्शन है, ठीक से देखो, लैपटॉप से चेक करो, तुम ये लिंक पर क्लिक करो पहले, उसके बाद आएगा ईएमआई का ऑप्शन, नहीं आ रहा तो एक बार मैं पेमेंट करके खत्म। हाँ इतना हमको परेशान नहीं, क्यों करता है, हमको समझ में नहीं आता, खून चूसता है पहली बात उसने बोली, बोले सर मैं आपसे बात करने है कि आगे क्या करना चाहिए, भोपाल से आया हूँ। हमने बोला कि ठीक है भाई क्या किया? बोला कि हम ह्यूमैनिटीज में सीयूटी अभी क्रैक की। हमने तो आगे का क्या प्लान है? बोला यूपीएससी करेंगे। हमने ये सही है भाई, तू शुरू कर, ठीक है ये जरूरी है। तो फिर बोलता है नहीं सर मैं सोच रहा हूँ उसमें तो सक्सेस रेट कम है, तो साथ में इसलिए कर लूँ। ये सब मत कर, तू यूपीएससी कर, यूपीएससी में सबसे ज्यादा स्कोप है तुम्हारे घर में भी। अगर देखो तुम लोग अभी सीए कर रहे हैं, ठीक है, अगर फाउंडेशन ना हो तुम यूपीएससी के लिए कोशिश करो ना, ठीक है। और यूपीएससी का तुम बेटा देखो एक दो साल में नहीं होता, पूरी श्रद्धा नहीं है, 3 साल और आइकॉनिक तब हम बैंकॉक जा पाएंगे, नहीं पाएंगे। देखो इतने सारे लोगों ने आज तक कोड इस्तेमाल किया, अभी मैं कल ही देख रहा था पिछले 2 साल में मेरा 2025 मतलब टाइम 2025 टाइम्स माय कोड हैव बीन यूज्ड, ठीक है। तो उस हिसाब से पर उसमें सबसे ज्यादा याद मेरे को सिर्फ वो एक बच्ची जो भाई 3 साल का आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उसके एक सब्सक्रिप्शन पर हम बैंकॉक जा सकते हैं। इतनी बात, अब हम थोड़ा रशिया भी जाना चाहते हैं। तो आप में से कोई अगर मुझे रशिया भेजने का स्वर्ग मतलब सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है हमें जरूर बताएं, पुण्य कमाना चाहता है, हम आपको दिल से दुआ देंगे, ठीक है। साथ में नहीं, फिर तुम्हारा टीचर जान से भरोसा उठ जाएगा। हम लोग पिछली बार आए थे हम गिरीश सर और दीक्षांत सर, वो लोग भी यही पढ़ाते हैं, अनअकैडमी में ही पढ़ाते। तो हम लोग पिछली बार पंजाब का रोड ट्रिप कर रहे थे, तो पंजाब और चंडीगढ़ में रुके थे, जो हम लोगों ने वहां किया जब हम उठे ना, हमने सिंपल बोला कि यहाँ तक हम कैसे आए ये तुमको याद नहीं, ठीक है। लेकिन कल अगर किसी बच्चे ने हम लोगों को देख लिया उसने भाई पढ़ाई छोड़ दी, उसने सीधा ये बोला था अगर टीचर ये है तो मैं तो भाई अब एस्ट्रोनॉट बनेगा, मेरे को बाहर चलना, इसी बात। वो भी ट्रिप थी भाई गजब, उस टाइम हम लोग होके नहीं आए थे पंजाब, जाने वाले थे, ठीक है। अगर होके आए होते तो अलग होता, उसके बाद सब हम लोग एडिट करा दिया बहुत दिनों तक। आइए तो इम्प्लाइड अथॉरिटी है सर, सेक्शन नंबर 90 और 22, कोई भी चीज इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर तब होती है जब उसमें क्या होता है सी एंड सर, वो कॉमन ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अब इससे कल एक सीए का फॉर्म खोला, वहां आ रहा है सब कुछ स्टेटिस्कोप से चेक कर रहा है, साफ तो ठीक से आ रही है कि नहीं, तो ये क्या कॉमन बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं हाँ, लेकिन यहाँ पर ना कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आईपीएल वर्ल्ड कप फाइनल स्प्लिट बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर, ये कुछ केसेस हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर है, वही केसेस हैं जो आपकी किताब में थे, सेम केसेस हैं।
आप देख लेना मैच करके सारे सेम केसेस बताता हूँ। बाय भी कर सकते हैं सेल भी नहीं कर सकते। दूसरा आता है कि एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं बन सकता। एल नीचे आता है लायबिलिटी। आप अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर आपको किसी केस पे भेजा गया है रिप्रेजेंट करने के लिए। डब्ल्यू से आता है विड्रॉ। सी से कॉम्प्रोमाइज मतलब बीच का मामला निकाल के सेटलमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद डी से आता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कैन नॉट बी फाइल फॉर आर्बिट्रेशन। और लास्ट में आता है सर डी से ओपन अ बैंक अकाउंट इन ओन नेम। आप फर्म का अकाउंट अपने नाम पर नहीं खोल सकते। कौन सा वाला डी डी वाला है कैन नॉट सबमिट अ डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन। मतलब क्या मान लो तुम आउटसाइडर ठीक है तुमने पार्टनरशिप फर्म पर केस किया हम वो केस को कोर्ट लेकर नहीं जा सकते या हम तुम पर डायरेक्टली केस नहीं कर सकते। पूरा फर्म कर सकता है हम नहीं कर सकते ठीक है। नेक्स्ट फिर आया सर सेक्शन नंबर 20। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 20 एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स अथॉरिटी। एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन मतलब एक एक्सप्रेस अग्रीमेंट से आप पार्टनर्स की प्रॉपर्टी मतलब उनके कंट्रोल अथॉरिटी को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं बनकर बढ़ा भी सकते हैं लेकिन आप ये जो भी कर रहे हैं आउटसाइडर को अगर पता नहीं है तो पूरा पार्टनरशिप फॉर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आउटसाइडर को पता है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पीलो पीलो पानी होनी पीलो एक मिनट पीलो पानी तुम लोग भी चला करके रहो। फिर भी देखो हमने जैसे ही बोला पानी पीलो सब शुरू हो गया। अरे ये हम देखा है यार देखा हुआ। ये पीने का ही पानी है ना अरे ठंडा नहीं पीना भाई वो ठंडा वाला आदमी वही है हमारे बाबा बुलडोजर। इतनी गर्मी लगती है इस इंसान को इतनी। कल उस दिन रूम शेयरिंग की बात हुई हम पहले हाथ खड़ा करना आपके साथ हम नहीं शेयर हम किसी के साथ भी कर लेगा आपके साथ अब इतना एसी चला। अरे 15 पे एसी चला के सोता है अरे पंखा फुल स्पीड है नकुल सर चल्लाद आदमी वो सही में सांड है। तीन आदमी उसको पुल में नहीं फेंक पाए तुमको पता है तीन आदमी मिलके हम जतिन सर आदित्य सर तीन लोग खींच रहे थे वो हिले नहीं ऐसे ऐसे खड़ा हुआ तीन आदमी सांड आदमी है एकदम। अरे भाई हिल नहीं आता अपनी जगह से ना तंदुरुस्त आदमी है भाई। अरे कौन अरे बाबा फोन लग के क्रेडिट कार्ड बेचेंगे बैठ के सुबह से कोई ना कोई कुछ बेच ही रहा हमको। कभी हमको लगता है कोई ऐसा फोन क्यों नहीं करता कि सर हम आपको 2 करोड़ रुपया देना है। अरे पैसा नहीं लेते है ना तुम्हारे में आते होंगे हमारे में तो वो भी नहीं आता। तुम इस पर रिप्लाई किया कभी सर एक बार I am ready. Give it to me. करके रिप्लाई कोका कोला का लॉटरी लग गया तुम्हारा इतने सारे पाउंड का एबीसी। आओ सर खत्म करते हैं इसको। अच्छा सेक्शन नंबर 21 क्या आता है सर ये वही वाला है। उसने बोला मैंने आपको कंफर्म किया वो बोला 13 में मैं दूंगा मैं 21 में बोल रहा हूँ तेरे को देना पड़ेगा मैं लूंगा ठीक है। फिर आता है 23। सर सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है कि एक अगर एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर एडमिट होता है तो जिस दिन से वो पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है उस दिन से वही लायबिलिटी अराइज करेगी। एब्सोल्युटली राइट। कहां गया। उसके बाद आया सर सेक्शन नंबर 24 एनी नोटिस तो जब तक वो फ्रॉड में इन्वॉल्व ना हो। अच्छा फ्रॉड में ना तीन चीजें आती हैं कमिटेड अबेटेड और अलाउ और कल्प्रिंग का कमिटेड अबेटेड और कलूडेड। ये तीनों वर्ड का मतलब क्या है कमिटेड का मतलब खुद किया है ठीक है अबेटेड मतलब हो रहा था देख के अनदेखा कर दिया ठीक है और कलूडेड का मतलब होता है पार्टिसिपेट। ये अंग्रेजी के तीन शब्द है ठीक है कमिटेड कलूडेड और पार्टिसिपेट ठीक है अबेटेड अबेटेड कलूडेड पार्टिसिपेटेड या कमिटेड है ना समझा। बीसीआर में पढ़ा है हाँ कि ना बीसीआर तो पढ़ ले कम से कम लॉ तो पढ़ नहीं रहा पढ़ तो रहे क्या पढ़ा है बीसीआर में क्या देखा है
जेडी सर से बीसीआर पढ़ इसी को जो क्रिश में आ रहे क्या नहीं आती अरे वो दिव्य नगरी में लिखते हैं नहीं नहीं वो तो सही वर्ड है ना उनका दिव्य नगरी क्या कर देवता तो भी नहीं पढ़ता एग्जैक्टली उनका तो कंपाउंडर पढ़ भी लेता है डॉक्टर का इनका नहीं पढ़ पाएगा अभी हमको कल आईपैड अभी कल हमको आईपैड दिखा रहे देखिए सर हम नोट्स लिखे दिखाइए फिर हमको दिखाया हम बोले देखो सर अगर आप कहीं पर गोबर कर दो ठीक है और उसके बाद गोबर पे डिजाइन बना दो ना तो वो रहेगा गोबर ही ठीक है तो अगर आपने टेक्स्ट लिखा है जिसका कोई माई बाप नहीं और उसके ऊपर आप हाइलाइटर भी उसका कर तो वो रहेगा फिर भी गोबर ही गरम गोबर देखिए सही में बहुत गंदा लिखता है यार इतना गंदा मैंने लिखते हुए नहीं देखा किसी को पहले बहुत गंदा राइटिंग उसको डॉक्टर बनना चाहिए डॉक्टर बनना चाहिए था टीचर की जगह डॉक्टर बनना चाहिए था कंपाउंडर ठीक पढ़ता है गलत लाइन सेक्शन नंबर 26 किस बारे में बात करता है सर सर ये बात करता है कि अगर कोई काम पार्टनर ने किया जो विद इन अथॉरिटी है जितनी उसको दी गई है और बिजनेस पर्पस के लिए तो अगर उसमें कुछ रॉन्गफुल गलती भी हो गई या कुछ छूट भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्म लॉस बैंड कर ले नो प्रॉब्लम ठीक है सेक्शन 27 क्या बोलता है अगर कोई इसके ऊपर क्वेश्चन आया आरटीपी में अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम पर आपने पैसा लिया 10 करोड़ रुपए एक पार्टनर को 10 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ले पैसा मिस अप्रोप्रिएट करते तो भी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा ठीक है लेकिन पार्टनर के ऊपर क्या लगेगा पता है वो हिडन है वो कोई नहीं बताता पार्टनर के ऊपर सेक्शन नंबर 10 लगेगा इंडेमनिफाई अंदर वाले तो लेंगे ही ना पैसा अच्छा अब अगर सब लोग मिलकर मिस अप्रोप्रिएट करते 10 करोड़ लिया था बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए सब लेके रसिया चल पूरा पैसा फूक के आ गया तभी भी फर्म रिस्पॉन्सिबल ठीक है रिजल्ट इज फर्म इज रिस्पॉन्सिबल सेक्शन 29 तो बात कर लिए 30 माइनर हमारे लिए क्या अर्जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है लेकिन क्या उसको बेनिफिट्स ऑफ द फर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं यस हाँ देगा वो प्रॉफिट को शेयर करेगा बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है जिस दिन मेजर बनेगा उससे 6 महीना के अंदर अंदर पार्टनरशिप फर्म में उसको ये बता किसका फोन है भाई ये उठा के ऊपर रख ले लात मारे वहां ना चले जाए भगवान भगवान की फोटो क्यों रखेगा तू फोटो तो तूने गलत सलत रखी है इसके अंदर अश्लील फोटो है हाँ हाइड करके हो गया चल तो भैया 6 महीने में उसको अपना डिसीजन लेना है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं अगर चुप रहता है तो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाता है और अगर बोल देता है कि नहीं बनना है तो फिर ठीक ही है ठीक है लाइबिलिटी क्या होगी माइनर की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइबिलिटी प्रॉफिट शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा नुकसान पता है क्या हो सकता है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको नहीं मिलेगा वो चला जाएगा लेकिन रिजाइन कर देता है तो पार्टनरशिप फर्म से अगर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के चला जाता है पार्टनर नहीं है किसी चीज के लिए लाइबल नहीं होगा आउटसाइडर बन गया है तो पार्टनरशिप फर्म पर केस भी कर सकता है नेक्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन देखो भैया ये है जिंदगी का सत्य पहले एक आदमी आता है फिर या तो वो खुद जाता है या लाख भर के निकालते हैं फिर वो गरीब हो जाता है फिर वो मर जाता है नहीं या फिर नहीं फिर वो मरे अब मान लो अर्जब को नया पार्टनर ले एक दिन या तो ये खुद हार के छोड़ देगा रिटायर या हम लोग उसको लात मार के निकाल देंगे उसके बाद ये गरीब हो जाएगा इंसॉल्वेंट और फिर गरीबी सही है मर जाएगा पार्टनर ठीक है परफेक्ट है कि नहीं मजा आया कि नहीं तो पहले 31 में अर्जब को लाते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर
पार्टनरशिप फर्म में जिस दिन में पार्टनर का एडमिशन हुआ उस दिन से सारे लाइबिलिटी और राइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। 32 में अब वो पार्टनरशिप फर्म से खुद से छोड़ के जा सकता है रिटायर, लेकिन उसके लिए क्या देना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस। जिस दिन पब्लिक नोटिस आपने दिया उस दिन से आपका रिटायरमेंट क्या हो जाएगा? वैलिड। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो रिटायरमेंट इनवैलिड है, ठीक है, सिर्फ पब्लिक नोटिस से वैलिड होगा। उसके बाद सर आता है एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। आप पार्टनरशिप फर्म से क्या किसी पार्टनर को निकाल सकते हैं? लेकिन उस पे जेम होना चाहिए जी, ही एक्सप्रेस नोटिस। फर्म को 33 में ही है, फर्म क्या करता है एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देता है अर्जव को कि भाई तुम अपनी सफाई रखो, क्यों तुमको निकालना नहीं चाहिए, फिर इसको एक नोटिस देता है चलेगा और इसका जो रिमूवल है वो फर्म के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। वो तो हो गई ऑब्वियस सी बात। फिर नेक्स्ट आया सर इंसॉल्वेंसी। अब अर्जव गरीब हो तो जिस दिन अर्जव गरीब होता है उस दिन अर्जव का और पार्टनरशिप फर्म का सारा नाता रिश्ता अफेयर सब खत्म। अर्जव अपने रास्ते जाएगा, पार्टनरशिप फर्म अपने रास्ते मतलब हाँ मतलब अपने रास्ते और रास्ते पे आ जाएगा। अर्जव नहीं रहा अर्जव मर गया, गरीब ही से मर गया बेचारा, ठीक है। क्या पब्लिक नोटिस देना है? क्या तो अब क्या नोटिस, खेला खत्म। पर फिर भी भाई तुमको याद तो रखेगा ना, अब तुम क्या चाहता है लोग तुमको याद ना रखे, तुम मर गया भूल जाते। चलो ठीक है बेटा, अब यहाँ से अगर अर्जव की जाते जाते किसी दुर्घटना से मौत हो जाए तो हम लोग सब भूल जाएंगे कि आज वो आया था। हाँ दूर से तुम स्कूटी से जा रहे क्या? ये लोग तुम कैसे आता है? तुम तो कितना सही है, तुम अपनी जान दूसरे के हाथ में कि तुम मेरे को मारते हो। तुमको चलाने आता है तो फिर क्यों नहीं खरीद लेते? कहाँ था तुम, कहाँ से निकाला गया? किस शहर से तुम्हारा है? ये कहाँ है? झांसी का, वहां से तुमको निकाल दिया, तुम इधर आके बस। तुम भी कौन से फर्स्ट ईयर? छोड़ दो, तुम करके कोई फायदा नहीं। मुझसे तो ये भी पूछा जाएगा बीकॉम क्यों? हाँ शादी नहीं करेगा। हाँ तो बता, सीए करने का मेन ऑब्जेक्टिव है क्योंकि बीकॉम किया था। दीदी काम कर रही है ना, अच्छे से घर चल रहा है ना, अब कुछ भी हो इसके तो कुत्ते की बात। क्या चीज का मुद्दा है, क्या चीज का लेक्चर है, क्या चीज का मुद्दा है? मोटर पार्ट्स का, तभी भी बात तुमको स्कूटी नहीं देना। वाह रिजल्ट के पहले ही ले ले, सेफ्टी बाद में मिले ना मिले। जतिन सर के रिजल्ट में छुप गया है, पता भी नहीं चलेगा। किंशु हॉलीडे में अर्जव जैन अपॉइंटेड एट किंशु हॉलीडे मैनेजर कम स्वीपर। सही बात, नहीं नहीं दीदी कर ली ना, ये बात अच्छी। यही जॉब कर रही है, बाहर कर रही है? यहीं पर तो बाहर क्यों नहीं चली है? क्या बैंकॉक बैंगलोर? अच्छा बैंगलोर जाना है, तो बैंगलोर की फिर यहाँ आ गई। अच्छा तुमसे दूर नहीं रह पा रही होगी, उसको भी चाहिए होगा। हाँ चलो बहुत बदतमीज है। अच्छा 36 तो कर लिया था आपने ना, 37 पर चलते, ठीक है सर। 37 वाला सेक्शन ना हर केस में आता है, कोई मर गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, रिटायरमेंट कर दिया, एक्सपल्शन कर दिया, जिसमें भी पार्टनरशिप फर्म सामने वाले को उनका पूरा हिस्सा नहीं दे पा रहा, वहां पर 37 आ जाएगा।
और 37 आते ही क्या है कि आप फ्यूचर प्रॉफिट्स को शेयर कर सकते हो या तो 6% पर लोन पर इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हो। मान लो कि वो लोन है। लास्ट सेक्शन कंटिन्यूइंग गारंटी। अगर मैंने आज आप दोनों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कंटिन्यूइंग गारंटी का, आप तीनों ने मेरे साथ, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये पार्टनरशिप फर्म है। नॉर्मल सिनारियो में अगर आप में से किसी एक की भी डेथ हो जाती है, कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर अग्रीमेंट में ऐसा लिखा है नहीं, उसके बाद भी चलेगा, उसके बाद भी चलेगा। एक लेक्चर में 32 नंबर ठोक दिया है 2 घंटा के अंदर। जान ले ले। अरे मेरे को कल से प्रॉपरली नींद ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो बच्चों का वो नहीं हुआ ना, कल इंटरमीडिएट का क्लास नहीं हुआ, उनके चक्कर में हमको नींद नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरमीडिएट का क्लास होना बहुत जरूरी है, बड़ा बच्चा लोग है ना। क्या 38 मान ले। अच्छा वो जरूर, पहले पता इन लोगों के साथ नहीं तेरे साथ ही करना चाहता था, अब देख यहाँ तीन लोग, तुम लोग पार्टनर, ठीक है, तुम लोग तीनों ने कंटिन्यूइंग गारंटी साइन की है मेरे साथ कि अगले, हाँ हाँ हाँ, कि अगले 1 साल तक, ठीक है, अगले 2 साल तक जो भी तुम्हारी फर्नीचर रिक्वायरमेंट होगी वो तुम हमी से करो, ये तुमने प्रॉमिस किया, ठीक है। अब हुआ क्या कि तुम्हारी डेथ होगी, इन दोनों ने तुम्हारा गला दबा के तुमको मार दिया, तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, एब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल बोल रहा हूं, कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाएगी। तो अब ऐसे केस में क्या हुआ, अब आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी तो खत्म, लेकिन अगर मेरे अग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि किसी एक पार्टनर के मरने के बाद भी गारंटी विल कंटिन्यू, तो उस केस में इट विल कंटिन्यू। अभी समझा? अभी भी नहीं गुस्सा? पक्का? कसम खा अपनी। हाँ तेरे को पड़ा पहना के भी हम ट्राई करा, समझा? अरे कुछ खोज रहे थे, कहाँ चला गया यार, इतना सारा पीडीएफ है ना। आज तुम लोग का सुबह में नकुल सर का क्लास हुआ था? नकुल सर का कितना देर चला था? अच्छा नकुल सर ही 12 बजे तक खींच लिए था। मुंह से आवाज निकलनी चाहिए मेरे को, ऐसा मरा हुआ मत देख, 2 घंटा भी मेरे ही शकल देखना, कोई मैम नहीं आने वाली है। चलो मैं मूड में आ गया। चलो तो सर जब कब की बात आती है तो ये एक्ट कब आया? ये आया 1 जुलाई 1930। ये कहां तक एप्लीकेबल होता है? पहले ये एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर होता था, लेकिन अब ऑल थैंक्स टू मोदी जी नाउ इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। मेरे को पहले पूछता है कितना शोर होगा, बोले उसकी तो कोई गारंटी नहीं भाई, अब ऑनलाइन में शोर कर देता है भाई, ये तो आइए। तो भैया ये वाला, इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो सबसे पहले आपको होता है ऐसा कहीं कहीं पर हो सकता है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस में इनकंसिस्टेंसी आए, तो इसमें एक चीज याद रखना, बाप से बड़ा कोई नहीं होता, बाप से बड़ा कोई नहीं होता। आपका अगर पेरेंट एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच में डिस्प्यूट आएगा, पेरेंट की बात सुनोगे, पेरेंट कौन है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद नीचे वहां पर 2 सेंटेंसेस दिए रहते हैं इम्प्लाइड कस्टम और यूसेज के बारे में, जिसमें मैं हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा के बोलता हूँ ये यूनिट 2 के बाद पढ़ेंगे। तो जो लोग हमसे पढ़े हैं उनकी किताब में 100% लेटर लिखा होगा,
और जो लोग नहीं पढ़े उनको पता चल जाएगा कि वहां पर लेटर लिखना है। उसके बाद जब नीचे आते हैं सबसे पहले आता है सेक्शन 2.1 बायर का डेफिनेशन। बायर मतलब कौन सा आदमी, वो बाइज और क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल भी सेल का एक पार्ट है। उसके बाद आता है 2.1 और 2.1 ऐड करके आता है 3, तो 2.1 13 जो आता है सेलर का डेफिनेशन। सेलर मतलब अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स और अग्री टू सेल द गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपकी डेफिनेशंस कंटिन्यू होती है, बहुत सारी डेफिनेशंस है लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस है उसमें आता है सर, एक आती है प्रॉपर्टी की डेफिनेशन 2.11। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, लेकिन प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक जनरल प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, एक बार आपकी शादी हो गई आप अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकते हो। इसको भी अभी इलाज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो एकदम ठीक से हिलना नहीं, ठीक है, बिल्कुल हिलना नहीं। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है ना, इनका इंटरनेट इतना फास्ट नहीं है बोल के थोड़ा सा लैग, चलो गोल्ड को जाके मुथूट फाइनेंस में गोल्ड लोन की तरह दे देते हो, वो अपनी गर्लफ्रेंड को जाके वो गोल्ड नहीं दे सकता कि भैया तू पहन के घूम अभी गुप्ता जी कुछ दिन के लिए इसको गिरवी रख के, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपके गुड्स पर पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं आजमा सकता, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या आया था, जब हम लोग उससे आगे बढ़े थे सोगा से थोड़ा और आगे गए थे, वहां पर आया था सर डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब वो आदमी जो गुड्स के बाइंग और सेलिंग को रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में एंगेज करता है, वो मर्केंटाइल एजेंट है सर। उसके बाद 2.10 में आया था प्राइस। प्राइस का मतलब क्या है, गुड्स के बदले गुड्स वैलिड प्राइस नहीं होता, गुड्स के बदले मनी वैलिड है, गुड्स के बदले मनी प्लस गुड्स भी वैलिड है, क्योंकि बार्टर सिस्टम सोगा में नहीं आता। वेरी गुड सर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, वहां से फिर आया था डिलीवरी। तो सर जब डिलीवरी की बात आई तो डिलीवरी का मतलब है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रोफेशन। सर इसमें एक चीज याद रखना, वॉलेंट्री ट्रांसफर बोल रहा है मतलब अपनी मर्जी से होना चाहिए। सर जब वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन की बात आती है तो पोजेशन किससे किसके पास जाना चाहिए सर, सेलर से बायर के पास जाना चाहिए। डिलीवरी तीन प्रकार की होती है, एक्चुअल डिलीवरी, हैंड टू हैंड सिंबॉलिक जिसमें सिर्फ टोकन ट्रांसफर होता है, और लास्ट में कंस्ट्रक्टिव व्हिच इज नोन एज डिलीवरी बाय अटोनमेंट जिसमें एक आदमी आपके बिहाफ पे गुड्स को सिर्फ होल्ड करता है, गुड्स की एक्चुअल कस्टडी जो है ठीक है वो बायर के पास ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। वेरी गुड। नेक्स्ट डिलीवरी के बाद नेक्स्ट आया था सर एक, इसी में आया था टोकन से ही एक निकल के आया था जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल DOT, जिसमें आपको एग्जांपल दिया था रेलवे रिसीप्ट का, बिल ऑफ लेडिंग का और एयरवे बिल का। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में जिसका नाम लिखा होता है वो सामान का ओनर भी होता है प्लस उसके पास सामान का पोजेशन लेने का भी राइट होता है। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, ब्राइट स्टूडेंट्स क्रिएटेड बाय मी। उसके बाद देखो मेरे को सेक्शन से एक अलग फैसिनेशन होता है, मेरे को अच्छा लगता है याद करना भी याद करवाना भी। उसके बाद आता है गुड्स। गुड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है 2.7 में। अब बात याद रखना कि एक कोई भी स्पोर्ट आप देख लो, क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी, जो 7 नंबर का खिलाड़ी रहता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, इसीलिए नंबर 7 गुड्स को दिया गया है, क्योंकि अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स ही नहीं होगा तो बेचोगे क्या इज्जत, ठीक है, तो गुड्स होना जरूरी है। तो गुड्स दिया हुआ है 2.7 में। गुड्स मतलब क्या, जो चीज मूवेबल भी है मार्केटेबल भी है, जैसे तुम्हारा शरीर तुमको यहाँ से उठा के वहां डाल सकते हो तो तुमको बेच सकते हो मार्केट में जाके। अरे पुराने टाइम में मार्केटेबल, देखो मार्केटेबल अर्जब के केस में नहीं होगा लेकिन बाकी कई लोगों के केस में मार्केटेबल होता है। मार्केटेबल इसलिए क्योंकि आप उसको बेच सकते हो मार्केट में जाके, अर्जब के केस में ये चीज एप्लीकेबल होती है, ठीक है, नॉर्मल लॉस है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है। अब तीन चीजें गुड्स की डेफिनेशन में आती है, GST, ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टॉक्स एंड शेयर्स, ई थिंग्स अटैच्ड प्लांट सीडेड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन सर एक बात समझने वाली है कि ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स कैसे हो सकता है, वो तो अटैच्ड टू लैंड है। ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स इसलिए होता है मेरे भाई क्योंकि जब आप बेचते हो ना तो क्रॉप्स बेचते हो, जमीन नहीं बेचते, और अगर जमीन बेचोगे तो वही मूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर वो टोपा में आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एब्सोल्युटली गुड। लेकिन दो चीज ऐसी है जो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती, गुप्ता जी ए फॉर एक्सटेबल क्लेम, एम फॉर मनी। मनी मतलब कौन सा मनी, जो लीगल टेंडर है। 2000 का नोट आज
लीगल टेंडर है तो वो गुड्स नहीं है। 30 सितंबर के बाद वो लीगल टेंडर नहीं होगा तो वो गुड्स होगा, क्योंकि उस दिन आप उसको एंटीक की तरह फिर बेचने लगे। हम तो बोलेगा एक एक दो दो हजार रुपए का नोट रख लो। हाँ, एक दिन करोड़ों में बिकेगा, एक दिन करोड़ों में बिकेगा। 500 रुपए का पुराना नोट किसी ने घर में रखा है? एक दो रखना चाहिए। अरे एक दिन ये सब करोड़ों में बिकेगा, क्योंकि देखो आज एक चीज नोटिस करो, मैं जस्ट नॉर्मल सी चीज बताना। अकबर के जमाने के जो कॉइन्स है आज की डेट में एंटीक बोले जाते हैं, थे तो उस समय में वो भी करेंसी, आज एंटीक बन गए। तो जिसने अपने पास रखा हो तो करोड़ों का मालिक बनाना बेच के, तुम भी अपनी बाकी की जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाओ भाई, कुछ तो छोड़ के जाओ। बाकी जितना पैसा कमाओ सब खर्चा करो, ये सब छोड़ के जाओ। हम तो ये बोलता है, देखो लॉजिकली मेरा कहना क्या है, आप एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी लो जब से जॉब करना शुरू करो, 10-20 करोड़, ठीक है, शादी करने के बाद, और उसके बाद जितना कमाओ ना सब फूट, सब खर्चा करो, कुछ बचाओ मत। क्योंकि जिस दिन तुम मरोगे ना 20 करोड़ रुपया तो मिल रहा है तुम्हारे मरने के बाद, तो वो तुमको खुशी से ही याद करें और तुमने अपनी जिंदगी भी जी ली। यहाँ पे इंडियन वाले उल्टा काम करते हो, सेविंग अकाउंट में भी पैसे बचा के जाएंगे नेचुरल कैलेमिटी के लिए, मार SIP भी करा देंगे, उसके बाद पॉलिसी भी ले लेंगे। अबे इतना पैसा दूसरे के लिए छोड़ के गया तुमने, अपनी जिंदगी तो गरीबी में ही काट दी, तो फिर फायदा क्या? आओ सर, पर इसका यह मतलब नहीं कि फालतू के खर्चे करो। अभी देखो पटना से हमको वापस कोलकाता जाने का टिकट 7 तारीख का पड़ रहा है 25,000 रुपए, इतने में तो हम बैंकॉक घूम के आ जाएंगे। हम बोला अगले दिन जाएंगे, एक दिन रह लेंगे होटल में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतने में तो हम घूम के आ जाएंगे बैंकॉक 25,000 रुपए, उसके लिए हम पटना से कोलकाता घर में किसी को पता चल गया ना वापस भेज देंगे। बोला तू वहीं रह, वहीं रह, वापस आने की जरूरत नहीं है। अरे सर लास्ट हम लोग ने यहाँ पर अभी टाइप्स ऑफ डिलीवरी और वो अग्रीमेंट टाइटल ऑफ डिस्पोजल करके खत्म किया, ठीक है। अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें सेक्शन का एक लाइन अप आता है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ये बहुत ही पता है बड़े ही क्यूट सेक्शन है। क्योंकि 4.1 पता क्या बताता है कि भैया सेल कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह की सेल होती है, बस वो इतना ही बताता है, वो इतना बता के छोड़ दिया। 4.2 ये बताता है कि सेल कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, कंडीशनल और एब्सोल्यूट। 4.3 ये बताता है जो कंडीशनल वाला होता है उसको अग्रीमेंट की सेल बोलते हैं, और जो एब्सोल्यूट वाला होता है उसको सेल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और 4.4 जिंदगी का वो सत्य बताता है जो माँ हमेशा बोलती है पिताजी को, बच्चे को कुछ मत बोलो, वो समय के साथ सुधर जाएंगे। तो हर चीज जो अग्रीमेंट है वो इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाएगा। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। इसके बाद सर एक डिफरेंस बिटवीन आता है कि सेल का बाकी ट्रांजैक्शन से डिफरेंस क्या है। सबसे पहला आता है सेल का बेलमेंट से अंतर क्या है। सर सबसे बढ़िया बात सेल और बेलमेंट में अंतर ये है कि बेलमेंट में ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो रहा है, सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है। बेलमेंट पैसों के लिए भी हो सकता है, ग्रेचुटस भी हो सकता है, नॉन ग्रेचुटस भी, लेकिन सेल हमेशा नॉन ग्रेचुटस ही होगा। फ्री में कुछ नहीं बिकता, पैसे लेके सब कुछ है दिखता, एकदम सिंपल सी बात। सीना डांस बार, सीना डांस बार वाला एग्जांपल कल भी रात में आया था भाई के स्टेडियम में, बाहर मंदिर और बाहर दोनों, तुमको कैसे पता बाहर है बाहर? बाहर में चाय पीने गया था। अच्छा इधर ही है, आज तो लेट हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। नेक्स्ट, ओके, इसके बाद ये तुम्हारा शेयर साफ पड़ा है लेकिन ठीक है, मतलब इतना कोई थोड़ा सा ओवररेटेड, कलम सराफा भी गया तो हमको समझ में आया थोड़ा सा ओवररेटेड, इतना भी नहीं है। बट एक चीज है, लोग यहाँ पर खाने के लिए ही जी रहे हैं, के लिए नहीं भाई, ये सिर्फ जी रहे हैं क्योंकि इन्हें दुनिया का खाना खत्म करना है, एक ही पर्पस है। मैंने उतनी देर मैंने सराफा में वॉक किया, मैंने देखा एक लड़की इतनी पतली दिखी, एकदम पतली दुबली, लेकिन वो हर स्टॉल पे रुक के कुछ ना कुछ खाई है। बोले ये फट जाएगी भाई, जीना का मकसद ही खाना खा, जिगरा है इंदौर में है भाई, स्टार स्किल है, इतना हम नहीं खा सकते। अरे हम कल रात में गया वहां पे, हम खाली कुल्फी खाने का बहुत मन था लेकिन पता था यहाँ आके सुबह पढ़ाना, टीचर लोग का यही प्रॉब्लम। आओ सर नेक्स्ट, अच्छा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लास्ट टाइम एक स्टडी आ गया था पेपर में, वो सोनल का जो कढ़ा था जिसमें रूबी लगा दिया था गलती वाला, वो केस स्टडी आया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो 4.3 और 4.4 को इंपॉर्टेंट लिख लेना जरूरी। अच्छा इसके बाद सर सेल और हायर परचेस में क्या अंतर है, सेल और हायर परचेस में अंतर क्या है। हायर परचेस में बस आप सामने वाले का सामान ले लेते हो,
कि भैया ला भाई अपना सामान दे, ठीक है, मैं खरीद नहीं सकता, मैं रेंटल पेमेंट कर रहा हूँ, तेरा सामान यूज करो, ऐसे जेडी सर के मान लेना, ठीक है, जब तक रेंट दूंगा तब तक यूज करूंगा, जिस दिन रेंट देना खत्म गाड़ी लो चलो निकलो, वो भी लेके चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मान लो हायर परचेज में मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं तो उनको घंटे का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा उसके बाद एक सेक्शन नंबर 5 आता है, फॉर्मेशन ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट, की सेल कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे। इसमें सबसे पहले ये होगा कि हम आपको ऑफर देंगे, आप ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, ये मैंडेट है। उसके बाद 5 अलग तरीके हो सकते हैं, पैसा आज सामान बाद में, पैसा सामान आज पैसा बाद में, पैसा और सामान दोनों बाद में, पैसा और सामान दोनों साथ साथ, पैसा और सामान दोनों इंस्टॉलमेंट, ये 5 तरीके हो सकते हैं, खत्म। उसके बाद आया सर सेक्शन नंबर 6 जो आपको बताता है कि एग्जिस्टिंग गुड्स का आपका सेल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और अग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है, जिसमें अनसर्टेन गुड्स का अग्रीमेंट होगा, फ्यूचर गुड्स का अग्रीमेंट होगा, कंटिंजेंट गुड्स का कुछ नहीं होगा, ऐसे आपको से कुछ बच्चों का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तुम गलत समझा, ठीक है, चलो देखो यही समझ। देखो हमारा छोटा टकला आ गया, भारत इज हियर, भारत के लिए मतलब भारत के लिए कभी तालियां पड़ी है तेरे आने पर लेटर। अब इसके लिए भारत हम लोग का एक फ्री में 2 रील एडिट करेगा, जिसका भारत पैसा नहीं लेगा। अरे बहुत महंगा आदमी है, तुमको पता है, तुमको एक चीज पता है, हमने इसको ऐसे ही बोला कि एक तो रील बना दे, अभी कल मेरे से 5,800 रुपया लिया, इतना महंगा आदमी है। और वैसे बोलता है कि सर हम आपका प्री वेडिंग शूट करेंगे, बोले फ्री में कर देंगे, बोले सर 5,00,000 रुपए लेंगे, अबे इतना देख के बस आदि ना कर। चलो अच्छा कमिंग अप नेक्स्ट सर, यूनिट नंबर 1 में और थोड़ी कहानियां हैं, यूनिट नंबर 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी सेक्शन 7 और 8 में लिखी हुई है, ठीक है, 7 और 8 की कहानी को सीरियसली सुन लेना, दोनों में से एक चीज केस स्टडी में पक्का आता है। 7 और 8 में फर्क क्या, सिंपल, इस बक्स की ना ये खराब थी, मेरे को पता नहीं, मैं अंदर आया जो बेचने वाला था उसको भी नहीं पता था कि ये खराब थी, लेकिन खराब पहले से है, हम लोग ने इसके लिए एडवांस पेमेंट कर दिया, उसके बाद मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहे चली नहीं, तो गुड्स स्पेसिफिक थे, आज गुड्स डैमेज हो गए तो क्या सेल हो पाएगी, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, लेकिन ये 7 में आएगा, क्यों, क्योंकि अग्रीमेंट पे पहले ही खराब हो चुका। अब मान लो ऐसा हो, पहले चल रहा है, मैंने चला के देखा बढ़िया था, मैंने एडवांस बुकिंग कर दी, 2 दिन बाद मैं लेने आया तब देख रहा हूँ ये चल ही नहीं रहा, उनको भी नहीं पता क्यों चल रहा है, अग्रीमेंट के बाद खराब हुआ तो सेक्शन नंबर 8। एक बार कहीं अगर कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है आपके पास कॉपी या बुक में, तो खाली इतना लिख लेना 7th बगल में लिख लेना, अग्रीमेंट के पहले खराब और 8 अग्रीमेंट के बाद खराब, अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, लिखा है तो ठीक है, जय माता दी, ठीक है। उसके बाद सर एक सेक्शन नंबर 9 आता है कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसमें मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा बर्गर कहाँ मिलता है, मैकडॉनल्ड्स। तो सर प्राइस डिसाइड करने के 3 तरीके हैं, एक आप मैनर डिसाइड कर लो, मैनर एक देखो, एक मैनर मम्मी डिसाइड करती है क्या, बार्गेन, दुकान में जाती बार्गेन करती है, वो भी एक मैनर है, एक मैनर आईपीएल का ऑप्शन भी है, ऑप्शन सेल, वो भी एक मैनर है। दूसरा सर एक और मैनर क्या है कि प्राइस एमआरपी पर बेचेंगे सामान पर, वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स पर जिस पर एमआरपी लिखा होता है आप एमआरपी पेमेंट करने के लिए लायबल है, हालांकि बार्गेन करके आप प्राइस कम करा सकते हैं बट लॉजिकली आपको एमआरपी देना पड़ता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस। और तीसरा तरीका क्या है, डी कोर्स ऑफ डीलिंग्स, ठीक है। तो ये 3 तरीके प्राइस डिसाइड करने का, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेना, अरे अच्छी रिंगटोन लगाए हो यार। अब मान लो मेरे और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है तुम्हारा, हुज़ैफ़ा, सो के पूरा एकदम नींद पूरा करके आया, कितना बजे उठा था, 8 बजे, सोया कब था, 12 बजे, तो 8 घंटा तो सो लिया, फिर काहे सोया हुआ पड़ा हुआ, उठ, ठीक है ना, मुंह धुलवाने भेज देंगे, अभी इसी को भेजेंगे, यही तरह मुंह धुलवाने भेज, उसको देख कितना एनर्जेटिक लग रहा है, एकदम लाल गुलाब की तरह, चलो एनर्जी थोड़ा, अरे मरे पड़े रहते हो, इतना ब्यूटीफुल कोर्स पढ़ रहे हो, कल इसी से 1.5 करोड़ रुपया कमाओगे महीना का, सोचो बड़ा सोचो यार, चलो हाँ बड़ा सोचो। अच्छा
अभी लास्ट पॉइंट था कि मान लो अगर ने इसके साथ बाइक से आया, स्कूटी से आया, क्या चीज से आया, एक्टिव, तो भाई ठीक है तो भैया ये एक्टिवा से आया, स्कूटी से आया, अभी यहाँ पे मान लो हम इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इसकी स्कूटी हम खरीद लेंगे, हम लोग दोनों में प्राइस ये डिसाइड करने वाला, प्राइस डिसाइड करने, थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करने से पहले उसने मेरे को स्कूटी डिलीवर कर दी, भाग गया, प्राइस डिसाइड नहीं, तो अब मैं स्कूटी रख लूंगा क्या, नहीं, आई विल हैव टू पे हिम रीजनेबल प्राइस। एक बात याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस जरूरी है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस क्लियरली डिफाइंड नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, इसका मतलब यह है कि रीजनेबल प्राइस। यूनिट नंबर वन खत्म हो गई, अब टू में आते चलो। देखो सर, ये आपका यूनिट नंबर 2, 3 और 4 यहीं पर दिया हुआ है, तीनों सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 2, 3 और 4। अब आप बोर्ड की तरफ देख सकते हैं 2, 3 और 4, ठीक है। तो सर सबसे पहले ना देखो, यूनिट 2 में खाली यही तीन छोटी सी चीजें हैं, एक है कंडीशन वारंटी, दूसरा है लाइफ वारंटी, और तीसरा है कैरियर घंटा। राइटिंग अच्छी है, नहीं अच्छी, अगर तुम नहीं भी बोलते तो हमको घंटा नहीं फर्क लिखा यही हो, देख देख कंपैरिजन देख रहा है, ठीक है। आइए तो चलिए सर, सबसे पहले इस चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर में आती है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, बातें, कुछ कही सी कुछ अनसुनी सी, ठीक है सर। बातें मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन मतलब बातें, बातें वो जिनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। हर कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह की बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक डिलीवरी, दूसरा पेमेंट, पैसा कब मिलेगा, सामान कब मिलेगा। तो मैं अमेज़न से जब सामान बुक करता यही तो दो चीजें होती है, भाई डिलीवरी कब होगी और पैसा कब देना। अब इसमें सर बोलते ऐसा है कि डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसे से, बट ये डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पर। अगर कोई सामान पर प्री पेमेंट ही है, जैसे आजकल अगर तुम अमेज़न फ्लिपकार्ट किसी पर भी फोन बुक करने जाओगे ना, 20,000 के ऊपर का फोन है सीओडी नहीं लेते, एक टाइम पे 60,000 रुपया सीओडी में लिया जाता था भाई, मैंने खुद किया। आईफोन 6s जब मैंने लिया था, 60,000 रुपया सीओडी पे मैं गिन के दे रहा था नोट, उसको ऐसे ही खराब लग रहा था लेकिन दे रहा था। लेकिन आज के जमाने में सब कुछ प्री पेमेंट होता है, एक चीज नोटिस किया नहीं है, तुम अभी करके देख लो। तो वहां पर पेमेंट एसेंशियल है, यहाँ पर पेमेंट एसेंशियल नहीं है, ठीक है। ये ऐसा बोल रहे हैं, जनरली डिलीवरी इज मोर एसेंशियल, ठीक है, कि सामान मिलेगा तो पैसा तो दे ही देंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद आया सर, अब शुरू करते हैं आगे 12 का 1। 11 का सेक्शन हो गया 12 का 1। सिंपल सी बात बोलता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो तरह की बातें होती है, एक होती है मेन बात जिसको बोलते हैं कंडीशन, और एक होती है एडिशनल बात जिसको बोलते हैं वारंटी। एडिशनल का दूसरा वर्ड क्या है, राइट दिया, ठीक है सर। इसके बाद आता है 12-2, 12-3। 12-2 का मैं क्या आता है, कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन को जब तोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। 12-3 में आता है वारंटी, वारंटी को जब तोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल डैमेजेस क्लेम होता है। फिर आता है 12-4। तुम लोग लंच वंच कर लिया, तुम्हें खा लिया होगा भाई सर, हम अभी तो शाइन लेके जाएगा, ठीक है, वहां से मेरे को कॉफी ला, मेरे को यहाँ पे है भूखा बुला गया सुबह, ठीक है, और हमको दवा लेना है। हाँ तुम एक पता नहीं, आज सुबह से एक पेरेंट 20 बार कॉल कर चुके हैं, अब उसकी बेटी को अगर पटना आना है तो हम क्या लेने जाएं, बोला आप 100 किलोमीटर दूर से आ रहे, तो हम क्या करें, हम तो भाई हम तो 25,000 में जा रहे हैं, तुम तो दिसंबर वाला, तुमको तो और 10,000 रुपया हम लोग को देना चाहिए। क्यों फालतू में रख के बोलता, सर आइए सर करिए, कुछ नहीं बोल रहे थे, बोलो आइए। अच्छा 12 का 4 सबसे ज्यादा नेगलेक्टेड है, कोई ज्यादा इज्जत नहीं देता 12 के 4 को, लेकिन 12 का 4 बेसिकली बोलता क्या है पता है, कि हर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज कंडीशन है या वारंटी वो डिपेंड करता है सामान पर। जैसे देखो, अब हम लोग चारों टीचर, लेकिन मेरा और जेडी सर का ना खर्चा बहुत ज्यादा है, क्या चीज पर, मार्केटिंग, बहुत ज्यादा, ठीक है, चाहे फिर वो रील हो, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम एडिटिंग हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, बाकी दोनों का ये मामले में खर्चा थोड़ा कम। तो मेरे लिए और जेडी सर के लिए ये आदमी कंडीशन, ठीक है, लेकिन नकुल सर और आदित्य सर के लिए ये आदमी, ठीक है। एकदम मैं यहाँ पहले आया, मैंने इसको फोन किया तो है, बोला सर आपने फोन नहीं उठाया, मैं चला गया, वापस आओ उसी, ठीक है। आइए सर, उसके बाद आता है सर कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। कंडीशन है मेन स्टिपुलेशन, वारंटी है कंडीशन के टूटने से आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, वारंटी में सिर्फ डैमेज मिलता है। और हरा सर्किल को थोड़ा ध्यान से देखना,
ठीक है, ये है वो केसेस जब कंडीशन 480। अब इसका मैंने एक एक्रोनिम बनाया है वाई, इस पे क्वेश्चन तीन बार आया है। अगर आप मेरे मोस्ट एक्सपेक्टेड की अभी सीरीज देखोगे तो ये भी है उसमें। कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी? डब्ल्यू आई एस ई वाइस, डब्ल्यू आई एस ई वाइस, जिसमें सर डब्ल्यू का मतलब क्या है? वेवर, अपनी मर्जी से छोड़ देना। आई से इम्पॉसिबल, सरकार बोल देती है तुम एलियन एनिमी हो, तुम्हारे साथ और ट्रांजैक्शन नहीं होगा, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। नेक्स्ट, इट इज नॉन सेवरेबल, मतलब उसको आप तोड़ नहीं सकते, पार्ट में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं सिर्फ तेरी स्कूटी का पीछे वाला चक्का खरीद सकता हूँ, नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट में ही बोलता है देखो भैया अब क्या था, क्या पति के ना पति पति, देखो पति क्या होता है, अच्छा आदमी होता है। देखो बात क्या होती है ना, लड़कों का दिल बहुत बड़ा एक्चुअली क्या है ना, लड़के बचपन से मम्मी पापा ने क्या बोला है ना, ठीक है, कि शेयरिंग इज सी, तो हम नहीं चाहते कि हमारा प्यार एक ही जगह, सबका हक है इस पर, हम ये मानते, तो हम लोग क्या करते, प्यार बांटते। तो ऐसे ही हमारा एक दोस्त था, ऐसे ही प्यार बांटते बांटते वो एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है, एक वैलेंटाइंस डे के लिए हार खरीदा। बस गलती इतनी सी होगी कि वो हार लेके वो अपने घर चला गया जहां उसकी बीवी भी थी। तो बैग में भैया उसकी बीवी को हार मिल गया। अब बीवी भैया रोमांटिक, वो समझती कि उसके लिए वो पहन ली। अब सिचुएशन ऐसी है कि ना जा सकते ना थी, तो उसने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। हाँ ठीक, अब उसके बाद उसकी बीवी बोलती है लेकिन इसमें पीछे से ना ये हुक टूटा हुआ है, लेकिन उसको चाहिए यही वाला। तो अब ऐसे केस में उसने इलेक्ट किया उसको रिटेन करने का, कि ठीक है मैं डैमेजेस लेके बर्दाश्त कर लूंगा अपनी चीज को, लेकिन मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा, क्योंकि क्या करें, फंस गए, अब फंस गए, कुछ किया थोड़ी ना, बहुत बुरा होगा भाई। नेक्स्ट, उसके बाद कंडीशंस में आप अगर आप ऊपर देखो, वापस से इधर आओ, तो अगर आप देखो तो पहला वाला पोर्शन मैंने खत्म कर दिया, कंडीशन और वारंटी वाला, फर्स्ट पोर्शन इज डन। अब दूसरे वाले में आ रहे इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी। इंप्लाइड कंडीशन कितनी है? सात, जिसमें से क्वेश्चन बार बार सैंपल 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 सैंपल, और एक बार अगर चूक गए या क्वालिटी है, बाकी चार बेफालतू के हैं, तीन ही को बार बार घुमाया जाता है। तो हम लोग पहले यही तीन को पकड़ेंगे। सबसे पहले आता है सर सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल में ये बोलता है कि जब आपने सैंपल दिखा के सामान बेचा तो उसमें तीन कंडीशन होनी चाहिए, सैंपल शुड कंप्लाई टू द बल्क, ठीक है, बल्क क्वांटिटी से। दूसरा, बायर को रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए कंपेयर करने का। और तीसरा, उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो देखने से, अब जैसे अगर अर्जब को कोई देखे तो बोल ही नहीं सकता कि आदमी डिफेक्टिव है। लेकिन इससे बात करते समय ऑनलाइन मेरे को हर रोज यही बात लगती थी कि ये डिफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन आप पता क्या, इसको देखने के बाद ना पता नहीं क्यों अब इसको क्लास में भी कुछ बोल नहीं पाए। शक्ल, एक एक आदमी की शक्ल ऐसी होती है ना कि वो मासूम होता है, इसको देख रहा है हाँ, इसको क्या ही बोल, छोड़ सवाल नहीं, तू भाई तू शक्ल चेंज कर दे, ठीक है, तू कोई ऐसी शक्ल लगा जिसको देख के मन करे हाँ भाई ये रख के मारते हैं सीधे, तू इसकी शक्ल लगा ले, तू इसकी शक्ल लगा ले, ठीक है, आना मास्क पहन के आ। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद आता है सर सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज है ना, आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। एक्चुअली सबसे कॉमेडी वाली बात क्या पता है, डिस्क्रिप्शन डी से शुरू होता है लेकिन उसका कोई डेफिनेशन नहीं। डिस्क्रिप्शन आप पता है सामने वाले से रिलेट करके बताते हो, ऐसे फीचर्स होंगे, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो भैया डिस्क्रिप्शन से मैच करेगा। आप बोलते हो ना प्राइम क्वालिटी का सामान होना चाहिए, तो प्राइम क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज वॉट? क्वालिटी इज अ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इज वॉट? फीचर्स। एज सिंपल एज दैट। बोलते ना अच्छा बच्चा होना चाहिए, अरे कौन होता है अच्छा बच्चा? होता क्या, ये एक सब्जेक्टिव चीज है। हम डोंट गेट मी स्टार्टेड, ठीक है, डोंट गेट मी स्टार्टेड, ठीक है, नेक्स्ट यू विल रिग्रेट इट लेटर, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिप्शन दिखा के आपने सामान बेचा और आपका फाइनल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को कंप्लाई नहीं करता तो आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं? कैंसिल, और डैमेजेस आपको मिल जाएंगे, मतलब पैसा वापस मिल जाएगा। दूसरा क्या, देखो दो तीन तीन दिन अब यहाँ रहा, मेरे मुंह से भी पैसे की जगह पैसा निकल ये भाई शहर। अच्छा, अब गुड्स अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से किया गया है तो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों को अप्लाई करना चाहिए। अगर दोनों में से एक मैच नहीं किया तो
ठीक है, शादी के लिए लड़की का फोटो भेजा, चेहरा वेहरा ठीक है, लेकिन लड़की एक पैर से लंगड़ी है, मतलब थोड़ा झुक के चलती है, एक पैर बड़ा एक पैर छोटा। आप सामने जब मिलने के लिए आ तो लड़का होता है, तुम ऐसे अजीब से क्यों चल रही हो, होती है मेरा पैर टूटा हुआ है, तो आधा एक पैर बड़ा एक पैर छोटा है, नया कैटवॉक। तो लड़का डिस्क्रिप्शन नहीं आप कंप्लाई किया ना भाई, क्योंकि लिखा नहीं था कि मैटर डिफेक्टिव है, कैंसल पोपट लाल कर लेता भाई साहब। ठीक है, फिर आता है सर कंडीशन टू मर्चेंटेबिलिटी, अगर आपका सामान दो पर्पस के लिए फिट है, एक फॉर रीसेल दूसरा फॉर सेल्फ यूज, तो उसको मर्चेंटेबल क्वालिटी कहा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है टू होलसमनेस, होलसमनेस मतलब ये सिर्फ खाने पीने के सामान पर लगता है, स्पेशली पीने के, मतलब ऐसी चीजें जो आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हो वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट होना चाहिए। जो शीना है कहा गया यार, नहीं नहीं कहा लिखे, कहा वही देखिए कंडीशन, अरे हो जा ठीक, कहा गया, कंडीशन एसपी क्वालिटी एंड फिटनेस तीन चीजें होनी चाहिए, एस पी और डी, एस पी और डी, सामने वाले के स्किल पर रिलाई कर रहे हो, आपने अपना पर्पस बताया, नोइंग दैट व्हाट ही इज डीलिंग विद। आप मेरे से मैथ्स का डाउट नहीं पूछते, हालांकि मेरे कुछ कुछ चैप्टर आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आपको पता है कि सर का पर्पस ये नहीं, मतलब सर का स्किल या सर का डिपार्टमेंट ये वाला नहीं है, इज नॉट डीलिंग इन टू दिस, एक्सपर्टीज नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन बीसीआर की एक्सपर्टीज जतिन सर के पास है। अगर कोई आदमी आपके सामान के यूज में डिफिकल्टी क्लेम कर रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमको नहीं पूछ रहा, तुम्हारी है, श्योर तुम्हारी है, तुम तो बोल दिया। अब मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम आराम से एकदम मस्त घूमने उमने गया, ठीक है, उत्ते में ये लौंडा आके बोलता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरा है, तुमको खराब लगेगा कि नहीं लगेगा ना, पर मान लो ये सच है, सच में प्रॉपर्टी उसका है, तो तुम लड़की से डैमेजेस क्लेम करना, और तुम थर्ड पार्टी हो। नेक्स्ट, अच्छा वारंटी हैज टू फ्री फ्रॉम एनकंबरेंस, क्या था सर वारंटी हैज टू फ्री फ्रॉम एनकंबरेंस, ये बोलता है कि सर अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी और का चार्ज है तो वो प्रॉपर्टी आपको किसी तीसरे आदमी को बेचनी नहीं चाहिए। बगल में गोल करके कोसी कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा हुआ है, कोसी क्यों लिखा हुआ है, एक रिलेशन करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सेक्शन आता है जो ये बताता है कि अगर आपके लिए किसी ने कोई पैसा पेमेंट किया है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कंपेंसेट कर दो। क्योंकि जब आप किताब को खोलोगे ना तो ये एग्जांपल पर क्या लिखा हुआ है, इसके एग्जांपल पर, इस एग्जांपल पर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे आदमी का चार्ज था, ठीक है, अब उसके पास दो ऑप्शन है, एक वो चार्ज हटवाने के लिए डायरेक्टली पेमेंट कर दे सामने वाले को जाके, तो वैसे केस में दूसरे को उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। इस पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मान लीजिए मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल और मेरा भाई पेमेंट कर देता है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको ये पैसा वापस दूं जाके, इसलिए मैंने एक चीज याद रखना यार कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वॉज़ी ना बहुत जगह रेफरेंस में यूज किया जा सकता है, जहां पर वॉइड हो, वॉइडेबल हो, वॉइडेबल हो, तुम्हारे पास से पॉकेट से कुछ चला गया, तुम 65 का रेफरेंस ले लेना कि कहीं पर अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और किसी को उस कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ मिल जाता है तो उसको रिटर्न करना जरूरी है। केस स्टडी के तुम्हारे आंसर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, सी वॉइड, वॉइडेबल है 65 का रेफरेंस यूज कर लेना, वॉइड है 64 का रेफरेंस यूज कर लेना, एकदम सिंपल सी बात। अब देखो मैं मसाला लगा के बताए, मसाला लगा के बताए, ये मैं खरीदने आया, ठीक है, ये मैं खरीदने आया, जब मैं आया तब ये सही चल रहा था, अग्रीमेंट के बाद ये खराब हो गया, मैंने सही जब चल रहा था वो देखते हुए 10,000 रुपया एडवांस दे दिया, आज ये खराब हो गया, तो सेक्शन 8 तो आ जाएगा कि अग्रीमेंट के बाद ये खराब हुआ। अब पूरी दुनिया सेक्शन 8 यूज करेगी एग्जाम, या कुछ लोग तो यूज ही नहीं करेंगे, कुछ घंटा पता नहीं क्या हो रहा, पर मेजोरिटी लोग 8 यूज करेंगे। तुम अपने लॉ में एक और नंबर कोट कर देना, बट एज पर सेक्शन 64 एनी एडवांसेस which are paid has to be restored back to the buyer, तो तुम्हारे साथ 64 contract का और 8 सोगा का लगेगा, तुम्हारा answer bulletproof हो जाएगा।
फिर नीचे जाके अगर तुमने फैक्स में थोड़ा बहुत गोबर कर भी दिया है ना, लॉ इतना परफेक्ट है कि नंबर मिल जाए। ये सब होती है ट्रिक्स। हाँ ये होती है ट्रिक्स। देखो पूरा पेपर इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप कितना इंप्रेस करते हो सामने वाले को। और इंप्रेस का मतलब मेरा ये नहीं है कि उस पर तुम 1000 रुपए की नोट चिपका दो या अपनी एक फोटो लगा के आ जाओ देखो मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। ये सब इंप्रेस करने का बात है। इंप्रेस मतलब अपने आंसर की फिर वो ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। अगर आपके धंधे में सामने वाले के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है जिसमें आप उसके साथ रेगुलर डीलिंग किए चले जा रहे हो तो कुछ वारंटी उस वजह से पैदा होती है। जैसे सर देखो अब ऑफलाइन क्लास है तो पता है ना आपको अपना शरीर लेके यहाँ आना। ऑनलाइन होगा तो पता है अपना शरीर फोन के सामने बैठाना। ऑनलाइन में कितना कंफर्ट है। अभी तुम में से कुछ कुछ लोग कैसे देखते हो क्लास मस्त है तो पैर पे पैर चढ़ा के ऐसे करके देखते हर अब यहाँ पे तो बैठना पड़ेगा। आई लाइक दिस यू नो व्हाई दोनों लोग तकलीफ में वैसे में सिर्फ हम तकलीफ में होता है। ठीक है चलो नेक्स्ट। फिर आता है डिस्क्लोजर एज टू डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर आपको पता है कि आपके सामान में कोई खराबी है तो आपको पहले ही बता देना चाहिए। ये कंडीशन सबसे ज्यादा पता है वारंटी किस पर लगता है। ये सबसे ज्यादा लगना चाहिए लड़की के बाप ज्यादा। ठीक है चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज उसको बताना चाहिए कि देखो भैया हमारे सामान में ये खराबियां हैं। डोंट्स पहले बता देने चाहिए वरना फिर बाद में फ्रॉड हो जाता है ये। ठीक है आइए उसके बाद आंसर केरियर टेंटर इज फ्रॉम एमजी हेक्टर सेक्शन नंबर 1616। क्या बोलता है केरियर टेंटर सर? केरियर टेंटर का सेक्शन ये बोलता है लेट द मतलब अगर कोई तू तो दिसंबर में है ना नोबक तू सुबह की क्लास में तूने देखा नहीं नौरा फतेह तो अनअकैडमी का कर रहा है कि किसी और का कर रहा है? हाँ तो आज सुबह का क्लास था ना 11:30 तूने देखा अच्छा बैकलॉग पहले मिले नहीं। अच्छा नहीं नहीं एक हफ्ता पहले मैंने क्या अपना एड्रेस भेजा था तुमको? अभी तुम बोला दिसंबर या बोल रहा जून? इसीलिए तुम सिंगल है और इसके पास तुम दूसरे को देख के एक्सपीरियंस इतना ले रहा है ना कि प्रैक्टिकल हो ही नहीं पा रहा। तुम प्रैक्टिकल करोगे तुम चाप से इसी बार एग्जाम देगा और इसी बार क्लियर कर। हम ही तो लिख के आएगा ना सर केवी टेंटर का मतलब क्या है? लेट द बायर इट इज अ लैटिन टर्म जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। मतलब जब भी मैं कोई सामान दुकान में बेचने के लिए बैठा हूं मैं आपको कुछ भी बेच ये बायर की रिस्पांसिबिलिटी है कि खरीदने के पहले जायजा कर ले। इसीलिए जब पति बाद में फोन करके बोलता है ना लड़की के बाप की क्या सामान भेज दिया तो उसका बाप पता क्या बोलता है? अब तो हो गया बेटा अब तो जो है तुम्हारा ही है अब तुम संभाल लो इतने दिन से हम बर्दाश्त कर रहे थे अब तुम्हारे हवाले वतन साथ चलो। लेकिन सर इस केवी अटेम्प्टर के कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है सर? जितने वारंटी और कंडीशन तुमने पढ़ी है सारे के सारे एक्सेप्शन है। मतलब अगर मैं आके डिफाइन कर दूं कि मेरे को यही बोतल चाहिए जो ग्रे कलर की है जो गर्म पानी को गर्म रखे और ठंडे पानी को ठंडा तो भैया फिर ऐसी ही बोतल देनी होगी आपको। प्लास्टिक बोतल नहीं चिपका सकते मेरे को। ठीक है तो जितने भी इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी है वो सारे के सारे इसी के हैं। लेकिन मैं एक को एक्सप्रेसिवली डिस्कस करूंगा सेलर एक्टिवली कंसील्स द डिफेक्ट। मेरे को पता है मेरे सामान में खराबी है मेरे को पता है ग्रीन स्क्रीन में छेद है हम ही लोग ने किया कोलकाता में किया था लगाने के लिए ग्रीन स्क्रीन में छेदा मैं पता है फिर भी मैं जान बुझ के ना ये ग्रीन स्क्रीन दूसरे को भेज देता हूँ छेद तक क्या ठीक है नहीं ऐसे करके ऐसे पलट दिया। तो ये है कि मेरे को मेरे सामान में डिफेक्ट पता है फिर भी मैं छुपा रहा हूँ। एक तरह से फ्रॉड है। ठीक है दिस इज फ्रॉड।
आपको वो टॉपिक याद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साइलेंस इज फ्रॉड, उसमें आता है एक्सेप्शन में वेयर साइलेंस इज फ्रॉड जब देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, ये वाला आता है एक्टिवली कंसेंट। मैं सेलर हूं, मेरे को पता है मेरे सामान में खराबी है, मेरे को सामने को बताना चाहिए अबे भाई मेरा सामान खराब है, उसके बाद भी वो ले ले तो वो हलकट। देखो ना सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता ना स्मोकिंग प्रोसेस कैंसिल, अब फिर भी तुम फूंक रहे हो तो तुम समझदार हो ना। ये इसके लिए थोड़ा भोला है अभी, तुम बोलता सीसी से दूध पीता है तो ठीक है वो हम बोल देते, लेकिन ना हमको भरोसा, ये बात पे हमको भरोसा। अगर तुम किसी दिन दिख गया तो फिर देखना हम कैसा भरोसा तोड़ेंगे। ठीक है सर, यूनिट टू खत्म, बोले ना आदमी झुक के सामने से बोलता है सर मारो सर मारो, बोलो सर कुछ बोलो सर। यूनिट थ्री शुरू हुआ सर, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। यूनिट थ्री का नाम क्या है अगर आप किताब में देखो तो, इट इज ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और डिलीवरी के बारे में ही बात कर रहा है, इन दोनों चीजों के बारे में स्पेसिफिक। तो आर सर पहले सबसे पहले बताता है ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए आपको दो कंडीशन होनी चाहिए, आई आई ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेंशन आई आई। अब इंटेंशन कैसे समझ में आता है, तीन चीज देखिए समझ में आता है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट जब लड़का लड़की पहली बार मिलते हैं ना अरेंज मैरिज में शादी में, देखना लड़का पहले क्या बोलता है पता है, वो मैं थोड़ा सा अकेले में बात करना चाहता हूँ बोलता है। लड़के के बाप अलग, लड़के के बाप जो होते हैं ना वो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने जन्म में तो मिला नहीं था, वो सामने से बोलते हैं हमारा बेटा आपकी बेटी से अकेले में बात करना चाहता है, और फिर बेटा तो फट्टू अकेले में क्या ही पूछ लेगा, और आप क्या करती हैं आपका नाम पूछ नहीं पाएगा। ठीक है तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है जब अकेले में बात करने का है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को नहीं जानते, कंडक्ट से समझ में आ कैसे लड़का लड़की शर्माता है पहली बार मिलता, फिर तो लड़का निर्लज्ज। ठीक है दूसरी डेट में खुल जाता है अपना समझ लेता है कि क्या है भैया, बस सब सब रंग दिख जाते फिर ओके सब याद। तो सर हम लोग यहाँ पर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का चार हेडिंग में करने वाले, स्पेसिफिक गुड्स का कैसे होता है, अनसर्टेन गुड्स का कैसे होता है, सेल ऑन अप्रूवल और लास्ट ऑन रिजर्वेशन। और सबसे खूबसूरत बात हम आपको बताएं, सबसे ज्यादा अनसर्टेन गुड्स का पूछा जाता है, हुआ 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 सबसे ज्यादा, पर पहले स्पेसिफिक का भी देख लेते हैं क्योंकि स्पेसिफिक वाला केस स्टडी में कहीं पर छुपा होता है, खोज के बाहर निकालना होता है। तो स्पेसिफिक गुड्स का ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है, सिंपल है सर, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना। देखो जैसे ये है, ये यहाँ पर ये जो है, अब ये सेल के लिए रेडी होगा कैसे पता चलेगा, जब इसको कार्टून में पैक कर देंगे। आप जब अमेज़न में कभी कभार ऑप्शन आता है ना कि आप गिफ्ट रैप करके सामान मंगा सकते हो, तो अगर वो गिफ्ट रैप कंडीशन में रेडी है उनके वेयरहाउस में तो इट इज रेडी फॉर डिलीवरी, वैसे केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है वरना ट्रांसफर नहीं होगी। सर कुछ कुछ गुड्स पे एमआरपी प्रिंटेड नहीं होता, क्या वो रेडी फॉर सेल है, बिल्कुल नहीं, एमआरपी है ही नहीं उस पे। जो खुला में दाल खरीदते हो तो पूछते हो ना भैया 1 किलो दाल कैसा दिया, उसके बाद बोलते हो भैया 250 ग्राम दे दीजिए अपने औकात के अनुसार, तो 250 ग्राम पहले नापता है, नापने के बाद आपको दाम बता के देता है कितना, और बहुत सारी सब्जी खरीद लो तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, फिर कैलकुलेटर निकालता है वो किटेक्स और उसमें कैलकुलेट करके देता है। अब हम दूसरे का क्यों करेगा रे प्रमोशन पागल कदा आदमी। उसके बाद आया सर दुआ, दुआ किस चीज का है सर, दुआ है अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करने का। दुआ की खोल के दिखाएंगे ना तो उसमें भी आपको दिखेगा कि कहां कहां पर हमने उसको ट्रांसफर करने के क्या क्या तरीके दिखाए, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। सो सर दुआ में क्या क्या चीज आती है, पहला डी गुड्स डिलीवरेबल से मैच होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, यू अनअसर्टेन होने चाहिए, तो कब ट्रांसफर कर सकता है, जब पैट हो, ठीक है उसके पास पोजेशन होना चाहिए, ठीक है साथ ही साथ वो उसके अप्रूवल अपना कन्वे किया होना चाहिए, या जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो एक्सपायर हो चुका है रिटर्न करने का गुड्स को। अच्छा एक और चीज होती है सेल फॉर कैश और रिटर्न, इसी के अंदर आती है, दोनों में फर्क क्या है पता है,
सेल और रिटर्न में मान लीजिए अगर मैंने सामान लिया लेकिन अभी तक इसको बताया नहीं कि मैं सामान खरीद रहा हूँ और वो सामान मैंने उनको प्लेज कर दिया और उसके बदले में लोन उठा लिया, ये ऐसा मान लेगा कि सेल हो गई, ठीक है। ऐसे केस में इसको गुड्स वापस मिल ही नहीं सकते क्योंकि मैंने दूसरे को दे दिए, केवल प्राइस मिलेगा। नीचे वाला है जो सेल फॉर कैश फॉर रिटर्न, इसमें अगर मैंने इसके साथ उस तरह की सेल किया तब तक जब तक मैं इसको पैसा ना दे दूं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होने सकती। केस स्टडी आपके पेपर में पता है कैसी है, पूरा कहानी बताया, ठीक है। उसके बाद पूछा कैन मिस्टर आर, आपको नाम भी याद है, कैन मिस्टर आर गेट हिज कार बैक फ्रॉम द सेलर, नहीं मिल सकती। उसके बाद नीचे पूछेगा पॉइंट नंबर टू का क्वेश्चन, सपोज इफ द सेल इज फॉर उसके बाद आया सर रिजर्वेशन ऑफ टाइटल, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है वैसे, आज तक तो कुछ पूछा नहीं गया, बट रिजर्वेशन ऑफ टाइटल ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या है, सामने वाला आपको सामान का पोजेशन देना चाहता है, वो रेडी है लेकिन ओनरशिप नहीं दे रहा, मतलब वो तुमको बोल रहा है तू सामान तो रख ले, बेचने का हक नहीं मिलेगा, मतलब मंगनी करा दी है शादी बाप करने नहीं दे रहा मंगनी करा दी है, बोल रहा पहले तू मेहनत कर, हाँ पहले तू मेहनत कर, कम से कम 1.5 लाख रुपया का पैकेज लेके आ हर महीना, उसके बाद ही बेटी भेजेंगे वरना उसके बिना नहीं भेजेंगे। मंगनी करा के रहता, रुमाल रख दिया सीट पर, रुमाल रख दिया लेकिन अभी बैठे नहीं, बस वही वाला हिसाब। नौरा में हम क्यों कमाएंगे, वो कमाएगी हम बैठ के खाएंगे, 19 साल की उम्र से मेहनत कर रहे हैं और कितना करेंगे, अब वो कमाएगी ऐसा होगा, ठीक है। हाँ अब आया सर सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 26 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि हर केस स्टडी में घुस जाता है ये है फूफा जी, ये है फूफा जी, हर फंक्शन में वो पहले आएंगे और लास्ट तक उनको इज्जत चाहिए, वरना वो तुम्हारी इज्जत लेके जाएंगे यहां से जाते टाइम, ये फूफा जी। तो सेक्शन नंबर 26 क्या बोलते हैं कि रिस्क इज ट्रांसफर्ड विद ओनरशिप, प्राइमरीली जो आदमी सामान खरीदता है रिस्क और रिवॉर्ड रिलेटेड टू द सामान उसी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन लेकिन अगर डिलीवरी में डिले किसी एक पार्टी की वजह से हुआ है, डिफॉल्ट किसी एक पार्टी का है, गलती किसी एक पार्टी की है, तो वैसे केस में क्या हो जाता है, क्या किसकी, तो पार्टी इन डिफॉल्ट की गलती मान ली जाती है और उसके केस में उसको डैमेजेस पेमेंट करना होता है। लेकिन सर ये सेक्शन एक आदमी पर नहीं लगता, बेली क्यों नहीं लगता सर, क्यों नहीं लगता, रीजन क्या है, क्यों बेली पर अप्लाई नहीं करता ये सेक्शन, बेली पर इसलिए नहीं अप्लाई करता क्योंकि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामान का टेक केयर करे, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, कि सामान की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हाँ फिर इसमें एक टॉपिक आता है सेक्शन नंबर 27 ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। अच्छा सबसे खूबसूरत बात है इसका एक पॉइंट है जिससे केस स्टडीज आएंगे और कम से कम 2 या 3 बार ये बड़े क्वेश्चन की तरह लिखने के लिए आया है, लेकिन वो आरटीपी एमटीपी में आया, मेन क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, ठीक है, बट आ जाए तो अच्छा ही है भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन अपने कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स में क्या क्या चीजें आती है सर, नेम ऑफ व्हाट दैट वन हैव इट, मतलब नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, ठीक है, मतलब जो आदमी अगर चोर है तो वो जिसको सामान बेचेगा वो भी चोर ही निकलेगा, कितने मच्छी सर चोर अपने आप को पहचान गए सर। तो आता है सर सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट गुड्स दूसरे को कब बेच सकता है, जब उसके पास पोजेशन हो, अगर उसी तरह के गुड्स में डील करता हो और गुड फेर दे, आप मान लो यहाँ पर वो सामने जो रिसेप्शन में बैठा है वो तुमको आई टी जे का सब्सक्रिप्शन 2000 में बेचते, ठीक है, तुम ले लोगे, अरे पहले पूरा स्कीम तो सुनो, 2000 में तुमको प्लस का सब्सक्रिप्शन भेज दे, डू यू हैव एनी रीजन टू डाउट, नहीं वो ITJ के काउंटर में बैठा है, अकेडमी के सेंटर में ITJ का सब्सक्रिप्शन भेज रहा, तुम 2000 में खरीदो, नीचे जाके बच्चे को 12000 में डाल दो, 12000 में भेज दो, वो भी खरीद लेगा, अभी 25000 का तो सब्सक्रिप्शन है साल भर का, हां ए पोगो की बात सुन, हम भी वही बोल रहे हैं कि और महंगा भी थे, बीच में तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है ना, तुम अपने पे समझो, अगर तुमको सीए का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 7500 रुपए में मिल जाए साल भर का, मैं खुद एक नॉर्मल मास्टर है, तुमको पता है 14000 में बिकेगा,
पता है 14,000 में बिकेगा वार, तुम एक काम करो 10,000 में बेच दो, तुम 10 में बिके, तुम 5 में ही बेचा तो प्रॉफिट तो तुम्हारा है ही। नेक्स्ट अच्छा सेल बाय जॉइंट ओनर। सर जॉइंट ओनर्स क्या होते हैं? जब एक प्रॉपर्टी के दो ओनर होते हैं, तो अगर मैंने किसी एक ऐसे ओनर से खरीदा है जिसके पास गुड्स का सोल पोजेशन था, तो हमको वैलिड टाइटल मिल गया, ठीक है, बिकॉज़ आई डू नॉट हैव एनी रीजन टू डाउट। जो केस स्टडी आता है वो यहां से, और इसमें ना इसमें साथ में चिपक जाएगा कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 65, ठीक है, सेल अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सामान बेचा है लेकिन उसमें वेज है, तीन चीजें हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होना चाहिए, वॉइड नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। अगर इसके साथ गुंडागर्दी करके किसी ने प्रॉपर्टी छीनी और ये अगले दिन जाके कोर्ट में केस करेगा, तो अगर सेम डे वो गुंडा वो प्रॉपर्टी इसको बेच देना गुड फेथ में, तो उसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग में है। और लास्ट वाला क्या बोला, नेक्स्ट ये सेल बाय बायर और ये वाला 4 और 5, ये वाला पोर्शन थोड़ा फालतू सा है बट लॉजिकल और इजी है। अगर सेलर ने सामान बेचा, ठीक है, लेकिन अभी तक पोजेशन उसी के पास है, ये था स्कैम ऑफ 1992 की मूवी में, ठीक है, हर्षद मेहता ने गाड़ी जाके दूसरे के पास से ले ली थी ना, जबकि एडवांस में कहीं और बुक थी। तो मान लो अगर सेलर के पास सामान है, इनके पास अभी भी सामान रखा हो, ठीक है, ये इसके पास क्या बोला, ये सामान हमको पसंद है, हमको दे दो, हम तुमको डबल दाम में दे देंगे, उसने बिल बना उसको चिपका दिया। बायर के साथ तो गलत हुआ, लेकिन इनको तो वैलिड टाइटल मिलेगा ही ना, नथिंग टू डाउट। अच्छा नेक्स्ट आया सेल बाय बायर इन पोजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये है सेल ऑन अप्रूवल। अगर सेल ऑन अप्रूवल में बायर को कोई सामान मिला है, वो दूसरे को बेच ही सकता है, वैलिड टाइटल मिलेगा सामने वाले को। बस एक चीज याद रखना, ये हायर परचेस पर अप्लाई नहीं है, क्योंकि हायर परचेस पर आपको टाइटल मिला ही नहीं। इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, अगर आपने अपने बिहेवियर से ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि सामने वाले की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, तो फिर ऐसे केस में आप बाद में उसका राइट को डिनाई नहीं कर सकते। अब मैं उस गेट से घुसा, इस क्लास में घुसा, क्लास में घुस के पढ़ा रहा हूँ, साफ साफ उनको बिहेवियर से समझ में आ रहा है कि आई हैव द राइट टू यूज ऑल दीज फैसिलिटीज विच आर हियर, ठीक है। अब ऐसे में करके अगर बोर्ड टूट जाए मैं कोई चीज के लिए लायबल नहीं रहूँ, तो गलती से हूँ। हाँ मान लो मैं ऐसे करते 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 हो ही सकता, ठीक है, तो अनअकैडमी रिस्पॉन्सिबल, हम चवन्नी नहीं देंगे। नेक्स्ट सेल बाय अनपेड सेलर, अनपेड सेलर सामान को बेच सकता है, सेक्शन नंबर 54 में आता है अनपेड सेलर के राइट, लेकिन उसके पहले क्या किया जाता है, अनपेड सेलर को अगर पैसे ना मिले, कौन है अनपेड सेलर, वो आदमी जिसको अपने कुछ के लिए क्या नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। तो अनपेड सेलर के राइट ना तीन तरह में आता है, अनपेड सेलर आया मैं पूरा अनपेड सेलर खोल देगा यहीं पर बैठे बैठे। अनपेड सेलर को तीन तरह के राइट मिलते हैं गुड्स के अगेंस्ट, SLR, सबसे पहले राइट ऑफ लियन, लियन कब कर सकता है, अगर तीन कंडीशन हो, CCI, कैश के लिए सेल किया है, कैश नहीं मिला, क्रेडिट के लिए सेल किया, क्रेडिट पीरियड ओवर हो गया, या वो लियन मिल गया, लेकिन लियन खत्म कैसे किया जाता है, टाउ, या तो कैरियर को गुड्स डिलीवर कर दिया कि बायर को दे दो, या डायरेक्टली बायर ने ऑब्टेन कर लिया, या उसने गिव अप कर दिया, सामने वाले रेडी हो गया ठीक है पैसा दे देंगे, उसने वेव कर दिया, लियन खत्म। अब मान लो फैक्ट्री के बाहर सामान निकल गया, बारिश हो रही, टिप-टिप बरसता पानी, और उतने में सेलर को पता क्या चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो अगर टिप है TIP, गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए, आई बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, पी प्राइस अनपेड होना चाहिए, और पोजेशन छूट गया होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में और आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं, गाड़ी वाले को वापस बुला सकते हैं। लेकिन ट्रांजिट खत्म कब माना जाता है, जब एक बायर के पास सामान पहुंच जाए, दूसरा बायर के कैरियर के पास सामान पहुंच जाए, बायर की खुद की एक शिप है, उस शिप पर तुमने सामान चढ़ा दिया तो बायर तक पहुंच ही जाएगा, या बायर खुद डिलीवरी को इंटरसेप्ट करके डिलीवरी लेने जाके, बिहार से भोपाल सामान आने वाला था, वो खुद ही बिहार पहुंच गया, सामान आपको यही दे दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और था, मान लो जो कैरियर था वो बायर ने खुद अपॉइंट किया, ठीक है, कि भैया मैं ही कैरियर हूँ, मेरा कैरियर है, किसी को सामान दे देना, तो जैसे ही उसके हाथ में सामान रखा हो, ट्रांजिट खत्म। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस लियन और स्टॉपेज में पता है क्या है, लियन तीन केसेस में हो सकता है, स्टॉपेज सिर्फ तभी हो सकता है जब बायर क्या है, इंसॉल्वेंट। लियन जहां पर खत्म होता है वहां से स्टॉपेज शुरू होता है, ठीक है, लियन का मतलब है रिटेन पोजेशन, स्टॉपेज का मतलब है रिगेन पोजेशन। अब तुमने सामान रोक लिया, आपके सामान में बैठ के अचार डाले रखे, बेचेगा तो दोबारा जब बेचने की बात आती है ना, तब ये सेक्शन नंबर 54 आता है सेल बाय अनपेड सेलर। तो आप एज एन अनपेड सेलर जब किसी को सेल करते हो, तो क्या उसको वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर सकते हो? हाँ, लेकिन बेचते समय एक चीज याद रखना,
नोटिस दे के बेचा, क्योंकि अगर तुमने बिना नोटिस दिए बेचा ना, मान लो ये 100 रुपए का था, ठीक है, और मैंने उसको 120 में बेच दिया, तो 20 रुपया प्रॉफिट मेरे को उसको चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओनर तो वही है, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन अगर ये 100 का है 80 में बिका, तो क्या 20 रुपया इससे रिकवर कर सकता हूँ? नहीं सर, 54 भी नहीं मिलने वाली आपको। मान लो इसका एक्टिवा है, कितने में खरीदा तुमने? पिताजी तो कितने में खरीदा, पता तो हो गई कि ऐसे ही दे दिए लाके। हमारा पिताजी तो दिलाए थे तो 3 बार बताए, देखो ये 60,000 का है, रोज बोलते थे देखो ये 60,000 का है। एक बट्टे में दिला के दूसरी बट्टे में बोला कुछ और दिला, और पिछले बट्टे में 60,000 का दिला, कंजूस, ठीक है। तो भैया अगर मान लो तुम्हारी इसकी स्कूटी किसी और को बेच सकते, नहीं सर, क्योंकि ओनरशिप इसके पास है, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक नोटिस दे देना, तो अगर 25,000 की स्कूटी 50 में बिकी, मैं 25 रख लूंगा सेलर, और 25 की स्कूटी 12 में मिली ना, तो ये बाकी का 13,000 रुपए हमको देंगे। He will still be responsible. तो सेल बाय एन अनपेड सेलर में राइट ऑफ लियन और लियन स्टॉपेज और रीसेल खत्म, एक ही पॉइंट से निपटा दिए। ये फायदा होता है, बताए, रिविजनरी लेक्चर्स मेरे को इसलिए बड़े पसंद होते हैं, इसलिए नहीं कि जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए कि ज्यादा। फिर आता है सर रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। सिर्फ एक बार पूछा गया है, सिर्फ एक बार, सबसे पहले इसी पेपर होता, पहला अटेम्प्ट का पेपर हमेशा इजी होता है। उसी में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, ठीक है। तो सर क्या चीजें है सर, डिलीवरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की। डिलीवरी मांगने की किसकी है? डिलीवरी लेना और डिलीवरी देना दोनों कब होंगे? ड्यूरिंग रीजनेबल आवर्स। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी कौन बेयर करेगा? बायर। गुड्स को रेडी करने का खर्चा कौन बेयर करेगा? सेलर। अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो जाती है तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आप या तो पार्ट एक्सेप्ट करके पार्ट के लिए पेमेंट कर दो, या अगर एक्सेस आ गई तो जितना है उतना एक्सेप्ट करो, बाकी एक्सेस उसके मुंह पे मार दो, रिफ्यूज कर दो, या अगर उसको रिटेन कर रहे हो ना तो फिर उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। अगर मिक्स दिया तो बड़े वाले चावल के दाने के साथ छोटा वाला चावल मिला दिया, बोला अपने हिसाब से अलग कर लिया, तो यही करने थोड़ी ना बैठेंगे भाई, पूरा रिटर्न कर देंगे। अच्छा भाई तो कर लेगा एक सेक्शन 43 और 44, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेक्शन नंबर 43 पावर क्या है? ये बायर को एक पावर देता है कि अगर गलत सामान तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर आया ना, तो तुम रिफ्यूज करके वापस कर दो। मान लो हमने वो वाली बोतल की, बहुत महंगी लग रही है मैडम, खुद ही खरीदी है, मम्मी पापा दिला, कितना? 600, 800, 900, पता नहीं, चलो 800 पकड़ते हैं, ठीक है, और फिर इससे देख लो, ठीक है। देखो पर इसमें एक स्पेशलिटी है, इसमें जो भी लिक्विड अंदर है वो दिखता है, तो पानी है कि क्या है उसमें, ये हिडन फीचर, अंदर क्या लिक्विड है पता नहीं चले, ठीक है। अब हो सकता है बच्चा कुछ और बैठ के उसमें भर के बैठा हो, वो अलग ही मजा ले रहा हो, पता थोड़ी ना चलेगा टीचर, हो ही सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कुछ है, क्या पता, सब हाउ कैन बी नो प्रोवाइडेड फर्दर, ठीक है। अब वो दिखा देगी ब्रेक में आके, देखिए सर इसमें कुछ नहीं, पानी है सर, और इगैनो और इगैनो लग रहा, पिज्जा वीजा खाया गया बहुत धमा के, बहुत सही। और ये भी अब ये लो गरीबो, ये लो गरीबो, यहाँ और रखे, लेके चले जाना, छोड़ना नहीं कुछ भी, टिश्यू पेपर भी रखा है यहाँ पर, लेके जाना, ठीक है, ले ले, टेक वन पास द रेस्ट। स्कूल में होता था ना, ब्रेड में लगा के खा लेना भाई, ब्रेड में लगा के खा लेना। तीसरी वाला क्या बोलता है सर, कि बायर गुड्स की डिलीवरी को रिफ्यूज कर सकता है अगर गलत सामान है तो। 44 क्या, 44 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेलर बोलता है लेकिन अगर तेरा रिफ्यूजल रॉन्गफुल हुआ ना, मैं घर में घुस के आ रहे, सीधी सी बात, ये पता है कहाँ होता है, ये पता कहाँ होता है, ये होता है फ्लिपकार्ट। आप अगर बोल दो उसको, मतलब पहले ना डिलीवरी बड़ी आसान होती थी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक सामान की, मंगाया आईफोन 2 दिन यूज किया, नहीं समझ रिटर्न, आप क्या बोलेंगे, हम टेक्नीशियन भेजेंगे घर, तुमने कुछ किया, अरे बोले टेक्निकल असिस्टेंट भेजेंगे, डिलीवरी एजेंट नहीं। कितना का सामान रिटर्न किया था? हम कर रहे थे मतलब 60,000 कुछ, क्या चीज किया था?
तो आके टेक्नीशियन आया था घर में? नहीं आया, नहीं आया। तुम्हारा शकल देख के ले गया होगा, तुम इतना क्यूट लगता है ना, इसीलिए ले गया। पता चलता तुमको भी रख के बोरा में, इसीलिए ले गया, बोरा छोटा पड़ गया। लेकिन आजकल ना इतने आसान से एक्सचेंज नहीं करते, इसमें ना नौटंकी करते हैं लोग कि हम पहले भेजेंगे, वो चेक करेगा ठीक है कि नहीं। मेरे साथ भी दो बार हो चुका है, बट मेरी किस्मत में था वो एक्चुअली में खराब था, ठीक है। बट अगर नहीं होगा ना लैपटॉप, अगर नहीं होगा ना तो वो फिर लेके नहीं जाए, वो छोड़ देंगे, बोले क्योंकि आपका रिफ्यूजल रॉन्गफुल था। तो यहाँ पर आता है 44, ठीक है, 43 के साथ 44, यूनिट 3 भी खत्म, ठीक है। यूनिट 4 का तो फर्स्ट पार्ट पहले निपटा दिया, रीसेल तक, ठीक है। राइट्स ऑफ द बायर आते हैं, अरे ये मैजिक है। चलो फिर इधर आते हैं। राइट्स ऑफ द बायर, सर बायर के क्या क्या राइट है? सर सबसे पहले आता है डैमेजेस फॉर सर, अगर अगर सम, अच्छा ये राइट्स ऑफ बायर है, बायर के हक, तो बायर के हक क्या है सर? अगर सेलर ने टाइम पर डिलीवरी गुड्स की नहीं की तो बायर उसको रिप्लाई कर सकता है, ठीक है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है गुड्स के लिए। दूसरा आता है सूट फॉर स्पेसिफिक, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है क्या भैया? हमको ब्रेकअप नहीं करना, हमको शादी ही करनी, बस सीधा सन की आशिक नहीं होती जैसे कबीर सिंह, ठीक है। और फिर वो वाला मूवी आया था ना जिसका जॉन अब्राहम का, अरे जो इसके साथ किया, जिसमें वो लड़की मर गई थी, पूरा टाइम इमेजिन कर रहा था उसको बैठ के, नहीं नहीं अरे पटनी पटनी दिशा पटनी, एक विलन रिटर्न, लेकिन सिलेबस में क्या है बोल है ना, बेसरम बेसरम याद है, एक्टिवा का प्राइस नहीं पता, लेकिन एक विलन में दिशा पटनी आई थी यह पता, वाह ठीक है, उसी को तो देखने गया था। तो उसमें भी ये चीज थी भैया कि उसमें कुछ कुछ केसेस ऐसे दिखाते ना, सन की आशिकों की तादाद, ठीक है। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है 10, मेरे को डैमेजेस नहीं चाहिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट यूनिक नेचर का है, हमको भैया वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की तहत वो पॉसिबल है परफॉर्म करना, हमको सामान की परफॉर्मेंस चाहिए क्योंकि वो स्पेसिफिक गुड्स है, हमको सामान चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तुमने बोला मोनालिसा की पेंटिंग दोगे, बेटा तुम मोनालिसा की पेंटिंग लाओ, तुमने बोला नौरा का नंबर लेके आओगे, हम 10,000 रुपए तुमको दिया, हमको नंबर चाहिए, सीधी सी बात, फिर सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सर अगर आप उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया ना, क्योंकि डिलीवरी नहीं कर रहा वो गुड्स की, सेलर नहीं कर रहा, आप कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का केस कर दीजिए। इसमें एक आता है ना आंटी की ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है काम करने के पहले। देखो सर आज के टाइम में एकदम सिंपल, अगर आपके घर में पड़ोसी, और जनरली गुप्ता के घर के बगल में शर्मा होता है, ये एकदम फैक्ट बात है, गुप्ता का एक दोस्त शर्मा हो गए, इम्प्लाइड है ये, ठीक है। तो जब गुप्ता जी की लड़की को छोड़ने अगर कोई लड़का आया है ना, तो हो सकता है गुप्ता जी के लड़के के बीच में, मतलब गुप्ता जी की लड़की और उस लड़के के बीच में कुछ ना हो, लेकिन ये बात को शर्मा जी की आंटी नहीं मान सकती, वो स्टोरी बनाई देगी कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी, होने से पहले गणित बताना। तो क्या तुम्हारे खिलाफ नहीं बताया सर? तुम्हारे खिलाफ कौन कर दिया बेटा ऐसा? अच्छा अच्छा होते नहीं, सही बात, तुम्हारे साथ अगर कभी कुछ ऐसा हो तो हमको बता, हम गवाही देंगे तुम्हारी, इससे ये नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, ये वही लोन। हाँ हाँ, पर हमारे यहाँ भी शर्मा है, पर हमारी मम्मी क्या है ना, अगर हमारी मम्मी को कोई ऐसा कोई बोलता है ना कि आपका बेटे को लड़की के साथ देखा है, तो हमारी मम्मी सीधी बात बोलती है, तो लड़का है तो लड़की के साथ ही, लड़के के साथ देखा होता तो अनयूजुअल होता, कौन सी बड़ी बात, पिताजी को ये सब समझ में नहीं आता, पिताजी माताजी को बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से ही बिगड़ा है, मम्मी बोलती जैसा है ठीक, इससे ज्यादा भी बिगड़ सकता था, हम दो तीन बार सुने अपनी मम्मी को बोलते हुए, इससे ज्यादा बुरा भी तो हो सकता था, अगर यहीं तक है तो ठीक है। एक बार मेरे पापा को लगा कि हम वो जो प्रोटीन का डब्बा नहीं, तो उसमें ड्रग्स होते हैं, ऐसा लगा, तो उन्होंने मम्मी को बोला कि इसमें ये ड्रग्स होते हैं, ये सब ये कर रहा है, मेरी मम्मी बोलती है एज लॉन्ग एज वो घर में बैठ के दुआ नहीं निकाल रहा और
जो चीज नाक से नहीं खींच रहा ना, तब तक वो अगर मुंह से ड्रग्स भी कर रहा है ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है समाज में कि वो जो प्रोटीन होता है उसमें ड्रग्स, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप लैब टेस्ट वेस्ट तो सब आज के जमाने में तो सब किया ही हुआ होता है, ये सब सोच होती है। अरे बचपन में तो मेरे पापा को ऐसा भी लगता था कि मेरे बीच में ना फोटो जो फोन वाला स्लाइड वाला फोन नहीं होता, हमको बच्चों ने प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद था तो हमने उसकी फोटो लगा के रखी थी, मम्मी को लगा इससे चक्कर चल रहा है, जाके मम्मी को बोलते देखो कैसी कैसी लड़की लोग की फोटो लगा हुआ। मेरी मम्मी थी किसकी फोटो लगाए थे, प्रियंका चोपड़ा। फिर मेरी मम्मी पापा को समझा रही क्या तो होता है भाई, थोड़े पिताजी थोड़े अलग टाइप के प्राणी होते हैं, वो एलियन किस्म के स्पीसीज है। उनका ऐसा लगता है, हमको हर बाप पहले ऐसा सोचता है कि जो जो मजे मैंने लिए है ना वो अपने लड़के को नहीं लेने, मैंने कर लिया इसे नहीं करने दूंगा। चला चला एग्जैक्टली जेलेसी। आइए सूट पर प्रीच ऑफ वारंटी, सूट ऑफ प्रीच ऑफ वारंटी, वहां पे बोला था ना वारंटी ब्रीच की जा सकती है इंप्लाइड वारंटी में, वहां अगर ब्रीच हुई है ना यहाँ उसके डैमेजेस में लेकिन हम लेंगे 300 रुपए का डिस्काउंट, बैग लेते थे हम बोलते इसकी चेन खराब है थोड़ी सी, आप पैसा कम करिए तभी हम लेंगे, उसको भी अपना डिफेक्टिव सामान निकालना है 200 रुपए में कम करके बेच देगा, 15 रुपए में चेन नहीं लगवा लेंगे, बाकी 180 रुपए बच गए। चलो बनिया बुद्धि। लेट्स आस्क सर सूट फॉर इंटरेस्ट, आप सामने वाले पर केस कर सकते हो क्या चीज के लिए सर, इंटरेस्ट, क्या चीज, इंटरेस्ट पाने के लिए, क्या आपका पैसा जो इतने दिन तक अटका हुआ था एडवांस मनी उसका इंटरेस्ट पाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, देना इंटरेस्ट कोर्ट का काम है, आप मान सकते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। सोगा खत्म, 2 3 4 1 2 3 4 पूरा खत्म। अब आते हैं सर क्वेश्चन आंसर, पागल अगल हो गया क्या, 2 जन्म लग जाएगा कंप्लीट करने में, पता चला आज वहां पेपर हो जाएगा उसके बाद हम एक आंसर कंप्लीट कर पाएंगे। अरे भाई खुल जाए जल्दी, चलो 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 क्वेश्चन आंसर देखते हैं कहां गया यार। ये क्या नहीं, ये कंपनीज वाला फर्स्ट पार्ट है। ये रात का काम है, हाँ उसके अलावा सब खुलेगा, हमको इसीलिए ना बड़ा इरिटेटिंग लगता है कभी कभी, पर ठीक है। हाँ चल अब तेरी बारी है ना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप देखो सबकी किताबें खुलने लगी, यही वाला चाहेगा। वन का सी 4 का A और 5 का A, 1 का C 4 नंबर, 4 का A 6 मार्क्स, 5 का A 6 मार्क्स, टोटल में सोगा कितने नंबर का हो गया, 14 से 16 नंबर, ठीक है, 14 to 16, पर जनरली 16 ही होता, ठीक है, इसीलिए मैंने मोस्ट प्रॉब्लम 16 ही लिखा। तो सर 1 का C जो आता है वो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी दोनों होते हैं 50-50, पर ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। 4 का A, ठीक है, 4 का A इज अ DQ एंड 5 का A इज अ केस स्टडी, फिक्स्ड, ठीक है। आओ सर आओ आओ देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी, स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, ठीक है। अभी किया 2-2 में डिलीवरी की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डिलीवरी 3 और रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, अभी जो इतने सारे बताए जो बोला मई 18 का क्वेश्चन है ये सबसे पहला, ठीक है। क्या थे रूल्स, एक्सपेंसेस कौन पेमेंट करेगा, डिलीवरी करनी किसको है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ अप्लाइड टाइम, और ये क्या है कि सर अगर एक्सपेंसिस ऑफ डिलीवरी कौन पे करेगा, बाय। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 2-2 लिख के अगर डेफिनेशन याद रहे तो वेरी गुड, नहीं याद रहे तो इवन बेटर, ठीक है, मतलब सेक्शन याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो इवन बेटर, लेकिन ये क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट से, एकदम जल्दी से लिख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, हाँ चुपचाप लिख। इतनी देर से सुन रहा बैठ के, मन नहीं कर रहा कि कुछ लिख लें, प्रवचन की तरह मेरे को सुने चला जा रहा,
मैंने पहले मैराथन कराया उसका रीजन क्या था पता है? अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपसे पूछूंगा कि आप आंसर बताइए, तब ना दो बार रिवीजन होगा, तब ना मजा आएगा। हर बार मैं ही बोलूंगा तो मजा कैसे आएगा? आइए नेक्स्ट, व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्टेट द एसेंशियल्स रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ अनासा। दुआ, दुआ का सेक्शन नंबर और दुआ का पूरा फुल फॉर्म 23 फुल फॉर्म। अच्छा रुको मजा आएगा, डी का बताओ तो। दुआ रे बैठ के बैठ के डेलीवर द स्टेट में ना चाहिए और डिस्क्रिप्शन दिया। यू का अनसर्टेन होना चाहिए और अनडिफाइंड होना चाहिए। ए Assets. 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 ठीक है, बताइए अनपेड सेलर के क्या राइट होंगे बायर के अगेंस्ट? राइट ऑफ लियन मार्क के बायर लिख रहा बगल में 55, 56, 60, 61 चार राइट्स होते हैं। पहला राइट करेगा तो सू फॉर प्राइस, पैसा मांगेगा। दूसरा सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। तीसरा सूट फॉर ब्रीच रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और चौथा सूट फॉर इंटरेस्ट। एब्सोल्युटली राइट, 55, 60, 55, 56, 60, 61। नेक्स्ट, व्हाट इज केवियट एम्प्टर? लिखा कि नहीं लिखा? अच्छा लिखो, लेट द बायर बीवेयर, एक्सेप्शन बता, एक्सेप्शन बता केवियट एम्प्टर। जुपिटर, टीवीएस, यो बाइक, चेतक, क्या था एक्सेप्शन बोल, एक्सेप्शन केवियट एम्प्टर। क्या तू ऐसा ऐसा एक्शन तो कर रहा, आवाज नहीं आ रही यहाँ, देख के भूलिया था, आप बंद करके इधर हमेशा इजी वाला पहले बोला करो, सैंपल डिस्क्रिप्शन, सैंपल डिस्क्रिप्शन क्वालिटी, ठीक है, टाइटल, डिफेक्ट, यूसेज एज टू ट्रेड, मर्चेंटेबिलिटी, होलसमनेस, होलसमनेस, कंडीशन। आंसर बोलो तभी मजा आएगा, तभी री रिविजन होगा, एक क्लास में दो बार। कंसील्स द डिफेक्ट, आखिरी वाला क्या था? मतलब सेलर एस कंसील्स द गुड्स, बोलता हाँ वही वाला। बेशरम, बेहया, बदतमीज, निर्लज्ज, चुप। क्या तो सब लिखेगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स विद एन एग्जांपल। सिर्फ डेफिनेशन देने, असर्टेन गुड्स वो होते हैं व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अनअसर्टेन गुड्स वो गुड्स हैं जिनका सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है, दे हैव नॉट बीन फिजिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन असर्टेन गुड्स की ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। अनअसर्टेन गुड्स होंगे 100 यूनिट्स ऑफ, क्योंकि आईसीए का पेपर है, उन्हीं के एग्जांपल उठाओ, 100 यूनिट्स ऑफ कॉटन बेल्स इन अ फैक्ट्री। असर्टेन गुड्स होंगे 50 कॉटन बेल्स सिलेक्टेड फ्रॉम 100 यूनिट्स, सिंपल। ठीक है, उनके एग्जांपल उन्हीं की किताब से उठाओ, सबसे सही है, मजा आएगा, उन्हें चिपका। हाँ, राइट्स ऑफ ओनरशिप क्या होंगे? राइट्स ऑफ ओनरशिप, अरे यहाँ पर राइट्स ऑफ ओनरशिप नहीं है, क्वेश्चन बेसिकली सेक्शन 26 है। ठीक है, कि सेक्शन 26 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 26 में लिखा हुआ, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क उसी का रिवॉर्ड, अनडिस्टर्ब पोजेशन, और नेक्स्ट क्या? अबे जिसकी भी गलती की वजह से डिलीवरी डिले हुई है, दैट इज द पार्टी इन डिफॉल्ट, बट प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द राइट्स ऑफ अ बेली। बेली को नहीं अप्लाई करता, परफेक्ट। नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल में खून देख रहे हो,
चार बार आया है, 10 अटेम्प्ट में 4 बार इस पे केस स्टडी है, 40% का क्वेश्चन है, ठीक है, इतने में तो अर्जब बिक जाएगा सेकंड हैंड मार्केट, दो बार सेल बाय सैंपल, सैंपल में बेचते टाइम तीन कंडीशन का अप्लाई होता है, सैंपल का सेक्शन नंबर याद है 17 17 सैंपल 17 है, डिस्क्रिप्शन 15 है, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों 15 है, ठीक है, दो चीज 15 में, 15 में दो होते हैं ना लेटर 1 और 5, तो सैंपल डिस्क्रिप्शन 15 में, डिस्क्रिप्शन अकेला 15 में, सैंपल 17 में, सैंपल 17 में कैसे याद रहेगा, एस पहले आता है कि डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डी आता है तो 15 डिस्क्रिप्शन है, 17 ठीक है आना। तो सर सेल बाय सैंपल में तीन चीजों का ध्यान रखना है, तो बल्क ऑफ द गुड्स एंड रीजनेबल टाइम में, और लास्ट में इसमें कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए कि हर मर्चेंट टेबल हो रहा है, परफेक्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी सिक्स सर्कमस्टेंसेस इन डिटेल इन विच नॉन ओनर कैन कन्वे अ बोनाफाइड बेटर टाइटल टू अ बोनाफाइड, कौन सा वाला लिख रहे हो, 9 ठीक है, लिख लो 9 तक पहुंचो आराम से। तो बेटा रिंस साबुन से नहला देंगे बाद, देखते नहीं जाएंगे, बोलो कैसे लिख ली, वो स्त्री है ना, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, कहां पर नॉन ओनर्स, नॉन ओनर कैन कन्वे अ बेटर टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेसर, बोनाफाइड मतलब ऑनेस्ट, बोनाफाइड परचेसर, ऑनेस्ट परचेसर। तो सर कौन से 6 सर्कमस्टेंसेस थे, सबसे पहला था सेल बाय अमकर, दूसरा सेल बाय जॉइंट प्रोविडेंस, सेल अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पोजेशन विद द बायर, पोजेशन विद द सेलर, ओनरशिप विद द बायर, पोजेशन विद द बायर, ओनरशिप विद द सेलर, फिर था एस्टॉपल, और लास्ट वाला था अनपेड सेलर। जब वो 6 बोल रहा है आप 6 ही लिखिए, अगर वो 6 ना बोले तो आप 7 लिख दीजिए, एक ही का तो फर्क, कौन सा वाला 9 वाला, ठीक है, अब इसके अंदर आत्मा जाके जून में देगा, अभी जून में, जून में निकालो यार, अभी भी 20 दिन है, 20 दिन एकदम इसके जान के पीछे लग जाओ, 20 दिन में इसको निकाल लो, फिर इंटर पढ़ो, नई पढ़ाई पढ़ो, तो कुछ बोला ही नहीं है सर, ये तो अच्छी बात हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद आया सर सेल ऑन रिटर्न बेसिस अंडर सेक्शन 24, इसमें सर तीन चीजें याद रखना चाहिए, या तो आपके पास सामान का पोजेशन हो, आपने बोला एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूवल ए से एक्सेप्ट कर लिया, या तो आपका टी से प्लेज कर दिया आपने, या टी से आपका टाइम खत्म हो गया, तो वैसे केस में आ जाएगा। हाँ हाँ रुके, लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चिल करो आराम से, पहले पढ़ा लेने से यही फायदा होता है ना कि बच्चे आंसर देते हैं, मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर राउंड हो जाता है, फिर उसमें मजा नहीं आता, रिवीजन के साथ क्वेश्चन आंसर होना चाहिए तब मजा आता है। एग्जाम के एक दिन पहले भी यही करेंगे, सारा कंटेंट वापस से करेंगे, पूरी 100 केस स्टडी वापस से करेंगे एग्जाम के एक रात पहले सारी की सारी, और ये सब खत्म कर देंगे ढाई घंटा बैठेंगे, सोगा कॉन्ट्रैक्ट LLP कंपनी और IPS सब पहले खत्म करेंगे, पूरा रिवीजन हो गया, फिर पूरा दिन खाली केस स्टडी चलेगा, सुबह से लेके रात तक, जब खोलोगे तब हम करा रहे होंगे केस स्टडी, तो ब्रेक लेना चलता है, पूरी 100 केस स्टडी वापस से कराएंगे ईच एंड एवरी। मतलब लिख के ऐसा, कौन सा वाला 12th, उस पे आने तो दो। What are the rules regulated by auction sale? Auction sale कहाँ पर है? Auction sale discuss भी करते हैं। Auction sale में क्या होता है? एक बार ही आया है ये। Auction sale क्या होता है? जहाँ पर एक से ज़्यादा आदमी bidding के लिए आते हैं, एक product को खरीदने के लिए, वो लोग एक bid लगाते हैं, most unique bid को वो सामान दे दिया जाता है। Ownership transfer होती है on the fall of the hammer। अब इसमें एक चीज याद रखना, हैमर फ्लोर को टच करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहिए, तब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। हैमर मारा, हैमर टूट गया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। हैमर मारा, सामान टूट गया, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। हैमर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस रिटर्न करना चाहिए। मान लो इस पे भी केस स्टडी है, ठीक है, हाँ
लेकिन सर अगर एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, एक से ज्यादा चीज बेची जा रही है तो सबका सेपरेट बिडिंग होती है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप चाहो तो एक ऑक्शन सेल में एक आदमी बैठा सकते हो जिसको बुलाते हैं पफर। पफर क्या करता है? प्रिटेंडेड बिडिंग। हाँ, दिल्ली कैपिटल वाला, वो खाली पैसा बढ़ाता है, वो सामान लेने। लेकिन सर पफर को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है। पर अगर आइडेंटिफाई नहीं किया तो इट इज वैलिड, देन इट इज वैलिड। आइडेंटिफाई नहीं किया तो वैलिड ना, तुम पकड़ ही नहीं पाए। अरे देखो, चोरी करना बहुत अच्छी चीज, बस पकड़े बच्चा एकदम सिंपल। जिस दिन तुम पकड़ा जाओगे उसी दिन, देखो चोर किसको बोलते हैं, जो चोरी करते हुए पकड़ा गया है, चोरी किया पकड़ा गया। जब मैंने किया ही नहीं तो वो चोरी ही नहीं, जब वो आर्ट है तो मैं आर्टिस्ट है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अभी बताया सेक्शन 7 और सेक्शन 8। अगर अग्रीमेंट के पहले हुआ है तो 7 लगेगा, अगर अग्रीमेंट के बाद हुआ है तो 8 लगेगा। इसीलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 7 पहले आता है, 8 बाद आता है, ठीक है सर। उसके बाद आया इंप्लीकेशन 4-1, 4-2, 4-3, 4-4। इसको मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है वो लास्ट वाली केस स्टडी के बाद, क्योंकि ये इस पे एक बार और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4-1 में क्या बोलता है कि सेल 2 तरीके की होती है, एक होती है सेल, दूसरी अग्रीमेंट टू सेल। 4-2 बोलता है एक कंडीशनल होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। कंडीशनल का नाम है अग्रीमेंट टू सेल, एब्सोल्यूट का नाम है सेल, और इवेंचुअली हर अग्रीमेंट सेल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एकदम। कुछ नहीं मिलेगा, इनके पास पानी तो रहता नहीं, बेसर हम पानी मिला। लेट्स क्रैक इट।